हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम जिस फिल्म पर बात करेंगे उस फिल्म का नाम है गोल माल अगेन। दोस्तों अगर आप गोल माल अगेन मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो फिर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको गोल माल अगेन मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और बजट के बारे में बताएंगे। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम फिल्म का एक रिव्यू भी देंगे, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। गोल माल अगेन हिंदुस्तानी हिंदी जबान की माफूकुल फितरत कॉमेडी फिल्म है, जिसकी तहरीर और हिदायतकारी रोहित शेट्टी ने की है। रोहित शेट्टी पैकेज मंगल मूर्ति फिल्म्स और रिलायंस इंटरटेनमेंट के जरिए तैयार करदा ये फिल्म गोल माल 2017 फ्रेंचाइज की चौथी किस्त है और इसमें अजय देवगन, तब्बू, अरशद वारसी, प्रीति चोपड़ा, अतिशार कपूर, शरियास तालपड़े, कनाल क्यू, नील नथन, मकेश और जोनी लेवर शामिल हैं। ये फिल्म दिवाली 2017 में रिलीज हुई थी। आमिर खान के सेक्रेट सुपरस्टार के साथ टकराव के बावजूद गोल माल अगेन साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और अब तक की 40वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई। इसका तहयात घरेलू खालिस मजमून 2,44,00,000 से ज़्यादा था, जबकि दुनिया भर में मजमूई 310.98 करोड़ पर ख़त्म हुई। इस फिल्म को नाकदीन की जनब से इसकी मजाज और परफॉर्मेंस की तारीफ और तकनीकी पहलुओं की खामियों पर तनकीद के साथ मिले जुले जायजे मिले। सर्कस के उन्वान से एक स्पेन ऑफ 2023 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। इसकी मूवी की स्टोरी लाइन पर नज़र दौड़ाते हैं। दोस्तों इस मूवी की फिल्म की स्टोरी यह है कि फिल्म की टाइम लाइन सर्कस के साथ मुंसलिक है और इसके बाद के वाकयात की अक्कासी करती है। गोपाल, मधु, लक्की, लक्ष्मण और लक्ष्मण 2 ओटी के एक यतीम खाने में यतीम है, जो बिजनेसमैन जोए जमना दास के जेरे इंतजाम है। गोपाल भूतों से डरता है, लक्की गूंगा है, लक्ष्मण को कोलब है। वो मकामी लेबरीन अन्ना की भूतों और रूहों को देखने की सलाह से भी वाकिफ है। लड़के एक बच्ची को ढूंढते हैं और इसे अंदर ले जाते हैं, इसका नाम खुशी रखते हैं और इसकी देखभाल करते हैं। एक दिन जब मधु जमनाद के दोस्त प्यार करने वाले कर्नल चौहान के एक खाली बंगले में डरपोक गोपाल को मजाक उड़ाता है तो लड़कों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। गोपाल को सज़ा मिलती है, जिससे गोपाल और लक्ष्मण को यतीम खाना छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। जल्द ही मधु, लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं। खुशी को बाद में कर्नल चौहान और इसकी बीवी ने गोद लिया है। कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के लिए काम करते हैं और मधु, लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं। जमुना दास के इंतकाल के बारे में जानने के बाद ग्रुप दोबारा मुत्तहिद हो गया। जमुना दास की यादगारी खिदमत के लिए 25 साल बाद यतीम खाने में वापस आते हुए वो कर्नल चौहान से मिलते हैं, जो नबीना हो चुके हैं। वो यतीम खाने के एक यतीम आना और पप्पी के साथ दोबारा मिल जाते हैं, जिनकी याददाश्त में अक्सर कमी होती है। वो एक लड़की से मिलते हैं जो इनके ख्याल में बंगले की देखभाल करने वाली दामनी है और खुशी के इंतकाल के बारे में जानते हैं। यादगारी की खिदमत के दौरान एक ताजिर वसु रेडी ने इंकशाफ किया कि यतीम खाने को मुनहदम कर दिया जाएगा और अपनी इमारत बनाने के मंसूबे के तहत दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। आना और कर्नल चौहान ने दो कमरे किराए पर
लेने का फैसला किया, जिससे वो वासु परेशान हो जाता है जो बंगले को खाली करना चाहता है। जब ये ग्रुप यतीम खाने से निकलता है और घर वापस आता है तो रवानगी के दौरान एक भूत लक्ष्मण के पास आ जाता है और उस रात के बाद नाना पाटेकर की आवाज़ में बोलता है, जो गोपाल को खौफजदा कर देता है। भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को फोन करते हैं, जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी इनके घर है। इसे लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का मशवरा देता है। बाद में भूत मधु के पास होता है और वसूली को इसे लक्ष्मण और लक्की को गोपाल और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के बंगले से वसु के लिए निकलने का इशारा करते हैं और बिलावास्ता तौर पर तीनों को ओटी वापस लाता है। ओटी पहुंचकर दोनों ग्रुप गुस्से में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तीनों ने गोपाल को डराने की कोशिश की कि वो घर से निकल जाए, लेकिन गोपाल को इसी भूत ने अपनी लपेट में ले लिया और लक्की और लक्ष्मण को बुरी तरह मारा। बाद में वसु ने मधु लक्की और लक्ष्मण को घर को जलाने का काम सौंपा, लेकिन लक्की को भी भूत आ जाता है और नाना पाटेकर की आवाज़ में बात करना शुरू कर देता है, जिससे ग्रुप खौफजदा हो जाता है। इसके बाद दोनों ग्रुप वहां से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन अन्ना और दामिनी इन्हें सालगिरह की तकरीब के लिए ठहराने पर राजी करते हैं और ग्रुप में तरमीम करते हैं। इन चारों को मालूम हुआ कि गोपाल को दामिनी से मोहब्बत हो गई है और वो इसे अपने जज्बात का एतराफ करने पर मजबूर करते हैं। जब दामिनी और गोपाल बाहर बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे, पप्पी वहां पहुंच गए और वो तस्वीर दिखाते हैं जो उसने कल की सालगिरह की तकरीब से ली थी। तहम ग्रुप को मालूम हुआ कि दामिनी को इन तस्वीरों में नहीं देखा जा सकता और पप्पी का कहना है कि वो गोपाल के पास बैठे किसी लड़की को नहीं देख सकते। ये इंकशाफ हुआ कि जिस लड़की को इन्होंने दामिनी तस्वर किया था वो दरअसल कोई और है और जो इन्हें सता रहा है, जब असली दामिनी पप्पी की गर्लफ्रेंड है। लड़के घबरा जाते हैं और पप्पी बबली भाई और वसूली भाई के साथ घर से फरार होने की कोशिश करते हैं। जब भूत खुद इसका एतराफ़ कर लेता है, अन्ना पहुँच कर इन्हें रोकती है और इन्हें समझाती है कि भूत कोई और नहीं बल्कि इनकी बचपन की दोस्त खुशी है। खुशी के बयान करदा एक फ्लैशबैक में बताया गया है कि किस तरह इसके बॉयफ्रेंड नखल स्वारा एक नौजवान ताजे और जमुना दास के भतीजे ने यतीम खाने को हासिल करने और इसे गिराने और एक नया तफरी पार्क बनाने का मनसूबा बनाया था। जब जमुना दास ने इख्तलाफ किया तो दोनों में लड़ाई हुई, जिसकी वजह से निखिल ने गुस्से में इसे मार डाला। इसका सामना करने और पुलिस के पास जाने की धमकी देने पर खुशी को निखिल ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। वसु की मदद से वो ये झूठ बोलने में कामयाब हो गए कि इसके कत्ल हादसात थे। तहम खुशी की रूह अन्ना के पास मदद के लिए आई, जो हैरान थी कि लड़के की खुशी को देख सकते हैं, और आखिरकार खुशी को इंसाफ दिलाने में मदद के लिए इन्हें घर ले आए। हाल में वापस गोपाल वसु के भेजे हुए गुंडों को मारता है, जबकि बाकी लड़के जो इस मामले से दूर रहना चाहते थे जज्बाती तौर पर रहने के लिए राजी हो जाते हैं। वो गोपाल को कायल करते हैं कि वो गुंडों को पीछा करना छोड़ दे और बाद में तकरीबन वसु को डराने में कामयाब हो जाएंगे कि वो सच का एतराफ कर ले, लेकिन निखिल इनके करने से पहले पहुंच जाता है और इंकशाफ करता है कि इसे मुजरिम साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। ये लड़ाई की तरफ जाता है, जिसके दौरान खुशी निखिल पर हमला करती है और इसे तकरीबन मार देती है, लेकिन अन्ना इसे परसकून कर देती है और वसु निखिल का एतराफ़ करने पर राजी करता है। यतीम खाने को बचाने के साथ खुशी की रूह लड़कों और अन्ना की को अलविदा करती है और जन्नत में चली जाती है।
दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको नजर आएगा। कास्टिंग की तरफ लेके चलता हूँ, टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी में आपको अजय देवगन बतौर गोपाल के रोल में नजर आएंगे, तब्बू बतौर एना मेथू रावी, अरशद वारसी बतौर माधु, प्रीति चोपड़ा बतौर खुशी चौहान दामनी, तुषार कपूर बतौर लक्की, मोहम्मद सऊद मंसूरी बतौर यंग लक्की, शरियाज तालपड़े बतौर लक्ष्मण वन, कनाल क्यू बतौर लक्ष्मण टू, नील नथन मुकेश बतौर नखल, जॉनी लीवर बतौर पप्पी, पब्ली के किरदार में संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी बतौर वसूली, प्रकाश राज बतौर वासु रेड्डी। बबली के किरदार में संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी बतौर वसूली, प्रकाश राज बतौर वासु रेड्डी, ब्रजेश हरजी बतौर पांडु वनका, मुरली शर्मा बतौर इंस्पेक्टर डंडे, विजय पाटकरा बतौर हवलदार गधारी पौधे टेकर, जोय जमुना दास के तौर पर, सचिन खीट बतौर कर्नल चौहान दामनी के तौर पर, अश्विनी कलिस्कर मुमताज बतौर मिसेस चौहान कर्नल की बीवी, शरिया अंचन बहसियत खुद, मोहन राम बतौर राम ईर भूत, शरयसूर बतौर प्रेरणा आइज, नाना पाटेकर खुद भूत की आवाज है। टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रोहित शेट्टी, राइटर हैं जी और स्क्रीन प्ले जो इस मूवी के जिन्होंने की है उनका नाम है यूनुस सजावल, डायलॉग फरहाद साजिद की हैं, स्टोरी रोहित शेट्टी की है, प्रोड्यूस्ड बाई संगीता सचिन अहीर रोहित शेट्टी, इसके साथ शिवसस शेखर मेन किरदार अदा करते आपको इस मूवी में जो नजर आएंगे वो है जी सरफरिस्त अच्छे, इसके साथ दूसरे नंबर पर जो आती हैं उनका नाम है तब्बू, तीसरे नंबर पर आते हैं अरशद वारसी, इसके अलावा तुषार कपूर, शरियाज तालपड़े, कनाल किम्यू और नेहल निथन मुकेश जोन लेवर, स्क्रीन प्ले जुमन टी चौहान, एडिट बाई बोंटी नागी, म्यूजिक बाई अमार मोहली और इसके अलावा गाने जो हैं इस मूवी के वो लिखे हैं तमन अमाल मलिक, लीजो जीरजी अभिषेक और प्रोडक्शन कंपनी है जी इस मूवी की रिलायंस इंटरटेनमेंट, मंगल मूर्ति फिल्म्स, रोहित शेट्टी पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट बाय रिलायंस इंटरटेनमेंट, रिलीज डेट 20 अक्टूबर 2017, रनिंग टाइम इसका 152 मिनट का है और इसके अलावा कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है, इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 70 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 311 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। दोस्तों ये है जी गोल मार अगेन मूवी की मुकम्मल मालूमात जो कि हमने आपको दी, यकीन आपको समझ होगी। गोल मार अगेन हिंदुस्तानी हिंदी जबान की माफूकुल फितरत कॉमेडी फिल्म है जिसकी तहरीर और हिदायतकारी रोहित शेट्टी ने की है। रोहित शेट्टी पैकेज मंगल मूर्ति फिल्म्स और रिलायंस इंटरटेनमेंट के जरिए तैयार करदा ये फिल्म गोल मार 2017 फ्रेंचाइज की चौथी किस्त है और इसमें अजय देवगन, तब्बू, अरशद वारसी, प्रीति चोपड़ा, अतिशार कपूर, शरियास तालपड़े, कनाल क्यू, नील नितिन मुकेश और जूनी लेवर शामिल हैं। ये फिल्म दिवाली 2017 में रिलीज हुई थी। आमिर खान के सेक्रेट सुपरस्टार के साथ टकराव के बावजूद गोल माल अगेन साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई, बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और अब तक की 40वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई। इसका तहयात घरेलू खालिस मजमूआ 2 करोड़ 44 से ज़्यादा था जबकि दुनिया भर में मजमू
310.98 करोड़ पर ख़त्म हुई। इस फिल्म को नाकदीन के जनब से इसकी मजाज और परफॉर्मेंस की तारीफ और तकनीकी पहलुओं की खामियों पर तनकीद के साथ मिले जुले जायजे मिले। सर्कस के उन्वान से एक स्पेन ऑफ 23 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। इसकी मूवी की स्टोरी लाइन पर नज़र दौड़ाते हैं दोस्तों। इस मूवी की फिल्म की स्टोरी यह है कि फिल्म की टाइम लाइन सर्कस के साथ मुंसलिक है और इसके बाद के वाकयात की अक्कासी करती है। गोपाल, मधु, लक्की, लक्ष्मण और लक्ष्मण टू ओटी के एक यतीम खाने में यतीम है जो बिजनेस मैन जोए जमुना दास के जेरे इंतज़ाम हैं। गोपाल भूतों से डरता है, लक्की गूंगा है, लक्ष्मण को कोलब है। वो मकामी लेबरीन अन्ना की भूतों और रूहों को देखने की सलाह से भी वाकिफ है। लड़के एक बच्ची को ढूंढते हैं और इसे अंदर ले जाते हैं। इसका नाम खुशी रखते हैं और इसकी देखभाल करते हैं। एक दिन जब मधु जमनाद के दोस्त प्यार करने वाले कर्नल चौहान के एक खाली बंगले में डरपोक गोपाल को मजाक उड़ाता है तो लड़कों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। गोपाल को सज़ा मिलती है जिससे गोपाल और लक्ष्मण को यतीम खाना छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। जल्द ही मधु, लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं। खुशी को बाद में कर्नल चौहान और इसकी बीवी ने गोद लिया है। कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के लिए काम करते हैं और मधु, लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं। जमुना दास के इंतकाल के बारे में जानने के बाद ग्रुप दोबारा मुत्तहिद हो गया। जमुना दास की यादगारी खिदमत के लिए 25 साल बाद यतीम खाने में वापस आते हुए वो कर्नल चौहान से मिलते हैं जो नबीना हो चुके हैं। वो यतीम खाने के एक यतीम आना और पप्पी के साथ दोबारा मिल जाते हैं जिनकी याददाश्त में अक्सर कमी होती है। वो एक लड़की से मिलते हैं जो इनके ख्याल में बंगले की देखभाल करने वाली दामनी है और खुशी के इंतकाल के बारे में जानते हैं। यादगारी की खिदमत के दौरान एक ताजिर वसू रेडी ने इंकशाफ किया कि यतीम खाने को मुनहदम कर दिया जाएगा और अपनी इमारत बनाने के मंसूबे के तहत दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। आना और कर्नल चौहान ने दो कमरे किराए पर लेने का फैसला किया जिससे वसु परेशान हो जाता है जो बंगले को खाली करना चाहता है। जब ये ग्रुप यतीम खाने से निकलता है और घर वापस आता है तो रवानगी के दौरान एक भूत लक्ष्मण के पास आ जाता है और उस रात के बाद नाना पाटेकर की आवाज़ में बोलता है जो गोपाल को खौफज़दा कर देता है। भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अना को फोन करते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी इनके घर हैं। इसे लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का मशवरा देता है। बाद में भूत मधु के पास होता है और वसूली को इसे लक्ष्मण और लक्की को गोपाल और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के बंगले से वसू के लिए निकलने का इशारा करते हैं और बिलावास्ता तौर पर तीनों को ओटी वापस लाता है। ओटी पहुंचकर दोनों ग्रुप गुस्से में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तीनों ने गोपाल को डराने की कोशिश की कि वो घर से निकल जाए लेकिन गोपाल को इसी भूत ने अपनी लपेट में ले लिया और लक्की और लक्ष्मण को पूरी तरह मारा। बाद में वसु ने मधु, लक्की और लक्ष्मण को घर को चलाने का काम सौंपा लेकिन लक्की को भी भूत आ जाता है और नाना पाटेकर की आवाज़ में बात करना शुरू कर देता है जिससे ग्रुप खौफज़दा हो जाता है। इसके बाद दोनों ग्रुप वहां से निकलने का फैसला करते हैं लेकिन अना और दामनी इन्हें सालगिरह की तकरीब के लिए ठहराने पर राजी करते हैं और ग्रुप में तरमीम करते हैं। इन चारों को मालूम हुआ कि गोपाल को दामनी से मोहब्बत हो गई है और वो इसे अपने जज्बात का एतराफ़ करने पर मजबूर करते हैं। जब दामनी और गोपाल बाहर बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे पप्पी वहाँ पहुँच गए और वो तस्वीर दिखाते हैं जो उसने कल की सालगिरह की तकरीब से ली थी। तहम ग्रुप को मालूम हुआ कि
दामिनी को इन तस्वीरों में नहीं देखा जा सकता और पप्पी का कहना है कि वो गोपाल के पास बैठी किसी लड़की को नहीं देख सकते। ये इंकशाफ हुआ कि जिस लड़की को इन्होंने दामिनी तस्वर किया था वो दरअसल कोई और है और जो इन्हें सता रहा है। जब असली दामिनी पप्पी की गर्लफ्रेंड है लड़के घबरा जाते हैं और पप्पी बबली भाई और वसूली भाई के साथ घर से फरार होने की कोशिश करते हैं। जब भूत खुद इसका एतराफ़ कर लेता है आना पहुँच कर इन्हें रोकती है और इन्हें समझाती है कि भूत कोई और नहीं बल्कि इनकी बचपन की दोस्त खुशी है। खुशी के बयान करदा एक फ्लैशबैक में बताया गया है कि किस तरह इसके बॉयफ्रेंड नखल स्वारा एक नौजवान ताजे और जमुना दास के भतीजे ने यतीम खाने को हासिल करने और इसे गिराने और एक नया तफरी पार्क बनाने का मनसूबा बनाया था। जब जमुना दास ने इख्तलाफ किया तो दोनों में लड़ाई हुई जिसकी वजह से निखिल ने गुस्से में इसे मार डाला। इसका सामना करने और पुलिस के पास जाने की धमकी देने पर खुशी को निखिल ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। वसू की मदद से वो ये झूठ बोलने में कामयाब हो गए कि इसके कत्ल हादसात थे। ताहम खुशी की रूह अना के पास मदद के लिए आई जो हैरान थी कि लड़के की खुशी को देख सकते हैं और आखिरकार खुशी को इंसाफ दिलाने में मदद के लिए इन्हें घर ले आए। हाल में वापस गोपाल वसू के भेजे हुए गुंडों को मारता है जबकि बाकी लड़के जो इस मामले से दूर रहना चाहते थे जज्बाती तौर पर रहने के लिए राजी हो जाते हैं। वो गोपाल को कायल करते हैं कि वो गुंडों का पीछा करना छोड़ दे और बाद में तकरीबन वसू को डराने में कामयाब हो जाएंगे कि वो सच का एतराफ कर ले। लेकिन निखिल एन के करने से पहले पहुंच जाता है और इंकशाफ करता है कि इसे मुजरिम साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। ये लड़ाई की तरफ जाता है जिसके दौरान खुशी निखिल पर हमला करती है और इसे तकरीबन मार देती है। लेकिन आना इसे परसकून कर देती है और वसूल निखिल का एतराफ़ करने पर राजी करता है। यतीम खाने को बचाने के साथ खुशी की रूह लड़कों और अना की को अलविदा करती है और जन्नत में चली जाती है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको नजर आएगा। कास्टिंग की तरफ लेके चलता हूँ। टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी में आपको अजय देवगन बतौर गोपाल के रोल में नजर आएंगे, तब्बू बतौर एना मेथू, रावी अरशद वारसी बतौर माधु, प्रीति चोपड़ा बतौर खुशी चौहान दामिनी, तुषार कपूर बतौर लकी, मोहम्मद सऊद मंसूरी बतौर यंग लकी, शरियाज तालपड़े बतौर लक्ष्मण वन, कनाल क्यू बतौर लक्ष्मण टू, नील लथन मुकेश बतौर नखल, जोनी लीवर बतौर पप्पी, पब्ली के किरदार में संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी बतौर वसूली, प्रकाश राज बतौर वासु रेड्डी। बबली के किरदार में संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी बतौर वसूली, प्रकाश राज बतौर वासु रेड्डी, ब्रजेश हरजी बतौर पांडू वनका, मुरली शर्मा बतौर इंस्पेक्टर डंडे, विजय पाटकरा बतौर हवलदार गधारी, पौधे टेकर जोय जमुना दास के तौर पर, सचिन खीट बतौर कर्नल चौहान दामिनी के तौर पर, अश्विनी कलिस्कर मुमताज बतौर मिसेस चौहान कर्नल की बीवी, शर्या अंचन बहसियत खुद, मोहन राम बतौर राम ईर भूत, शर्यसूर बतौर प्रेरणा आइज, नाना पाटेकर खुद भूत की आवाज़ हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रोहित शेट्टी, राइटर हैं जी, और स्क्रीन प्ले जो इस मूवी के जिन्होंने की है उनका नाम है यूनुस सजावल, डायलॉग फरहाद साजिद की हैं, स्टोरी रोहित शेट्टी की है, प्रोड्यूस्ड बाय संगीता सचिन अहीर रोहित शेट्टी, इसके साथ शिवस शेखर
मेन किरदार अदा करते आपको इस मूवी में जो नजर आएंगे वो है जी सरफरिस्त अच्छे, इसके साथ दूसरे नंबर पर जो आती हैं उनका नाम है तब्बू, तीसरे नंबर पर आते हैं अरशद वारसी, इसके अलावा तुषार कपूर, शरियाज तालपड़े, कनाल किम्यू और नेहल निथन, मुकेश जोन लेवर, स्क्रीन प्ले जुमन टी चौहन, एडिट बाई बोंटी नागी, म्यूजिक बाई अमार मोहली और इसके अलावा गाने जो हैं इस मूवी के वो लिखे हैं तमन, अमाल मलिक, लीजो, जीरजी, अभिषेक और प्रोडक्शन कंपनी है जी इस मूवी की रिलायंस इंटरटेनमेंट, मंगल मूर्ति फिल्म्स, रोहित शीटी पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूट बाय रिलायंस इंटरटेनमेंट, रिलीज डेट 20 अक्टूबर 2017, रनिंग टाइम इसका 152 मिनट का है और इसके अलावा कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 70 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 311 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। दोस्तों ये है जी गोल माल अगेन मूवी की मुकम्मल मालूमात जो कि हमने आपको दी, यकीन आपको पसंद आई होगी। गोल माल अगेन हिंदुस्तानी हिंदी जबान की मफूकुल फितरत कॉमेडी फिल्म है जिसकी तहरीर और हिदायतकारी रोहित शेट्टी ने की है। रोहित शेट्टी पैकेज मंगल मूर्ति फिल्म्स और रिलायंस इंटरटेनमेंट के जरिए तैयार करदा ये फिल्म गोल माल 2017 फ्रेंचाइज की चौथी किस्त है और इस अजय देवगन, तब्बू, अरशद वारसी, प्रीति चोपड़ा, अतिशार कपूर, शरियास तालपड़े, कनाल क्यू, नील नितिन, मुकेश और जूनी लेवर शामिल हैं। ये फिल्म दिवाली 2017 में रिलीज हुई थी। आमिर खान के सेक्रेट सुपरस्टार के साथ टकराव के बावजूद गोल माल अगेन साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई, बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और अब तक की 40वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई। इसका तहयात घरेलू खालिस मजमूआ 2 करोड़ 44 से ज़्यादा था जबकि दुनिया भर में मजमूई 310.98 करोड़ पर ख़त्म हुई। इस फिल्म को नाकदीन के जन्म से इसकी मजाज और परफॉर्मेंस की तारीफ और तकनीकी पहलुओं की खामियों पर तनकीद के साथ मिले जुले जायजे मिले। सर्कस के उन्वान से एक स्पेन ऑफ 23 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। इसकी मूवी की स्टोरी लाइन पर नज़र दौड़ाते हैं दोस्तों, इस मूवी की फिल्म की स्टोरी यह है कि फिल्म की टाइम लाइन सर्कस के साथ मुंसलिक है और इसके बाद के वाकयात की अक्कासी करती है। गोपाल, मधु, लक्की, लक्ष्मण और लक्ष्मण टू ओटी के एक यतीम खाने में यतीम है जो बिजनेस मैन जोए जमुना दास के जेर इंतज़ाम है। गोपाल भूतों से डरता है, लक्की गूंगा है, लक्ष्मण को कोलब है। वो मकामी लेबरीन अना की भूतों और रूहों को देखने की सलाह से भी वाकिफ है। लड़के एक बच्ची को ढूंढते हैं और इसे अंदर ले जाते हैं, इसका नाम खुशी रखते हैं और इसकी देखभाल करते हैं। एक दिन जब मधु जमनाद के दोस्त प्यार करने वाले कर्नल चौहान के एक खाली बंगले में डरपोक गोपाल को मजाक उड़ाता है तो लड़कों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। गोपाल को सज़ा मिलती है जिससे गोपाल और लक्ष्मण को यतीम खाना छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। जल्द ही मधु, लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं। खुशी को बाद में कर्नल चौहान और इसकी बीवी ने गोद लिया है। कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के लिए काम करते हैं और मधु, लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं। जमुना दास के इंतकाल के बारे में जानने के बाद ग्रुप दोबारा मुत्तहिद हो गया। जमुना दास की यादगारी खिदमत के लिए 25 साल बाद यतीम खाने में वापस आते हुए वो कर्नल चौहान से मिलते हैं जो नबीना हो चुके हैं।
और यतीम खाने के एक यतीम आना और पप्पी के साथ दोबारा मिल जाते हैं जिनकी याददाश्त में अक्सर कमी होती है। वो एक लड़की से मिलते हैं जो इनके ख्याल में बंगले की देखभाल करने वाली दामनी है और खुशी के इंतकाल के बारे में जानते हैं। यादगारी की खिदमात के दौरान एक ताजिर वसू रेडी ने इंकशाफ किया कि यतीम खाने को मुनहदम कर दिया जाएगा और अपनी इमारत बनाने के मंसूबे के तहत दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। आना और कर्नल चौहान ने दो कमरे किराए पर लेने का फैसला किया जिससे वसु परेशान हो जाता है जो बंगले को खाली करना चाहता है। जब ये ग्रुप यतीम खाने से निकलता है और घर वापस आता है तो रवानगी के दौरान एक भूत लक्ष्मण के पास आ जाता है और उस रात के बाद नाना पाटेकर की आवाज़ में बोलता है जो गोपाल को खौफजदा कर देता है। भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अना को फोन करते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी इनके घर है। इसे लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का मशवरा देता है। बाद में भूत मधु के पास होता है और वसूली को इसे लक्ष्मण और लक्की को गोपाल और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के बंगले से वसू के लिए निकलने का इशारा करते हैं और बिलावास्ता तौर पर तीनों को ओटी वापस लाता है। ओटी पहुंचकर दोनों ग्रुप गुस्से में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तीनों ने गोपाल को डराने की कोशिश की कि वो घर से निकल जाए लेकिन गोपाल को इसी भूत ने अपनी लपेट में ले लिया और लक्की और लक्ष्मण को बुरी तरह मारा। बाद में वसू ने मधु लक्की और लक्ष्मण को घर को जलाने का काम सौंपा लेकिन लक्की को भी भूत आ जाता है और नाना पाटेकर की आवाज़ में बात करना शुरू कर देता है जिससे ग्रुप खौफजदा हो जाता है। इसके बाद दोनों ग्रुप वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं लेकिन अना और दामनी इन्हें सालगिरह की तकरीब के लिए ठहराने पर राजी करते हैं और ग्रुप में तरमीम करते हैं। इन चारों को मालूम हुआ कि गोपाल को दामनी से मोहब्बत हो गई है और वो इसे अपने जज्बात का एतराफ़ करने पर मजबूर करते हैं। जब दामनी और गोपाल बाहर बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे पप्पी वहां पहुंच गए और वो तस्वीर दिखाते हैं जो उसने कल की सालगिरह की तकरीब से ली थी। तहम ग्रुप को मालूम हुआ कि दामनी को इन तस्वीरों में नहीं देखा जा सकता और पप्पी का कहना है कि वो गोपाल के पास बैठी किसी लड़की को नहीं देख सकते। ये इंकशाफ हुआ कि जिस लड़की को इन्होंने दामनी तस्वर किया था वो दरअसल कोई और है और जो इन्हें सता रहा है। जब असली दामनी पप्पी की गर्लफ्रेंड है लड़के घबरा जाते हैं और पप्पी बबली भाई और वसूली भाई के साथ घर से फरार होने की कोशिश करते हैं। जब भूत खुद इसका एतराफ कर लेता है आना पहुँच कर इन्हें रोकती है और इन्हें समझाती है कि भूत कोई और नहीं बल्कि इनकी बचपन की दोस्त खुशी है। खुशी के बयान करदा एक फ्लैशबैक में बताया गया है कि किस तरह इसके बॉयफ्रेंड नखल स्वारा एक नौजवान ताजे और जमुना दास के भतीजे ने यतीम खाने को हासिल करने और इसे गिराने और एक नया तफरी पार्क बनाने का मंसूबा बनाया था। जब जमुना दास ने इख्तलाफ किया तो दोनों में लड़ाई हुई जिसकी वजह से नखिल ने गुस्से में इसे मार डाला। इसका सामना करने और पुलिस के पास जाने की धमकी देने पर खुशी को नखिल ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। वसू की मदद से वो ये झूठ बोलने में कामयाब हो गए कि इसके कत्ल हादसात थे। तहम खुशी की रूह अना के पास मदद के लिए आई जो हैरान थी कि लड़के की खुशी को देख सकते हैं और आखिरकार खुशी को इंसाफ दिलाने में मदद के लिए इन्हें घर ले आए। हाल में वापस गोपाल वसू के भेजे हुए गुंडों को मारता है जबकि बाकी लड़के जो इस मामले से दूर रहना चाहते थे जज्बाती तौर पर रहने के लिए राजी हो जाते हैं। वो गोपाल को कायल करते हैं कि वो गुंडों को पीछा करना छोड़ दे और बाद में तकरीबन वसू को डराने में कामयाब हो जाएंगे कि वो सच का एतराफ़ कर ले लेकिन निखिल इनके
करने से पहले पहुंच जाता है और इंकशाफ करता है कि इसे मुजरिम साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। ये लड़ाई की तरफ जाता है जिसके दौरान खुशी निखिल पर हमला करती है और इसे तकरीबन मार देती है, लेकिन आना इसे परसकून कर देती है और वसूल निखिल का एतराफ करने पर राजी करता है। यतीम खाने को बचाने के साथ खुशी की रूह लड़कों और अना की को अलविदा करती है और जन्नत में चली जाती है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको नजर आएगा। कास्टिंग की तरफ लेके चलता हूँ, टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी में आपको अजय देवगन बतौर गोपाल के रोल में नजर आएंगे, तब्बू बतौर एना, मिथू रावी, अरशद वारसी बतौर माधु, प्रीति चोपड़ा बतौर खुशी चौहान दामनी, तशार कपूर बतौर लकी, मोहम्मद सऊद मंसूरी बतौर यंग लकी, शरियाज तालपड़े बतौर लक्ष्मण वन, कनाल क्यू बतौर लक्ष्मण टू, नील लथन मुकेश बतौर नखल, जॉनी लीवर बतौर पप्पी, पब्ली के किरदार में संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी बतौर वसूली, प्रकाश राज बतौर वासु रेड्डी। बबली के किरदार में संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी बतौर वसूली, प्रकाश राज बतौर वासु रेड्डी, ब्रजेश हरजी बतौर पांडू वनका, मुरली शर्मा बतौर इंस्पेक्टर डंडे, विजय पाटकरा बतौर हवलदार गधारी, पौधे टेकर जोय जमुना दास के तौर पर, सचिन खीट बतौर कर्नल चौहान दामनी के तौर पर, अश्विनी कलिस्कर मुमताज बतौर मिसेस चौहान कर्नल की बीवी, शर्या अंचन बहसियत खुद, मोहन राम बतौर राम ईर भूत, शर्यसूर बतौर प्रेरणा आइज, नाना पाटेकर खुद भूत की आवाज़ हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रोहित शेट्टी, राइटर हैं जी, और स्क्रीन प्ले जो इस मूवी के जिन्होंने की है उनका नाम है यूनुस सजावल, डायलॉग फरहाद साजिद के हैं, स्टोरी रोहित शेट्टी की है, प्रोड्यूस्ड बाय संगीता सचिन अहीर रोहित शेट्टी, इसके साथ शिवाक्ष शेखर मेन किरदार अदा करते आपको इस मूवी में जो नजर आएंगे वो है जी सरफरिस्त अज्जे, इसके साथ दूसरे नंबर पर जो आती हैं उनका नाम है तब्बू, तीसरे नंबर पर आते हैं अरशद वारसी, इसके अलावा तुषार कपूर, शरियाज तालपड़े, कनाल किमू और नेहल निथन, मुकेश जोन लेवर, स्क्रीन प्ले जुमन टी चौहान, एडिट बाई बोंटी नागी, म्यूजिक बाई अमार मोहली, और इसके अलावा गाने जो हैं इस मूवी के वो लिखे हैं तमन अमाल मलिक, लीजो जीरजी अभिषेक और प्रोडक्शन कंपनी है जी इस मूवी की, रिलायंस इंटरटेनमेंट, मंगल मूर्ति फिल्म्स, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूट बाय रिलायंस इंटरटेनमेंट, रिलीज डेट 20 अक्टूबर 2017, रनिंग टाइम इसका 152 मिनट का है, और इसके अलावा कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 70 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 311 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। तो ये है जी गोल माल अगेन मूवी की मुकम्मल मालूमात जो कि हमने आपको दी, यकीन आपको समझ होगी। गोल माल अगेन हिंदुस्तानी हिंदी जबान की माफूकुल फितरत कॉमेडी फिल्म है जिसकी तहरीर और हिदायतकारी रोहित शेट्टी ने की है। रोहित शेट्टी पैकेज मंगल मूर्ति फिल्म्स और रिलायंस इंटरटेनमेंट के जरिए तैयार करदा ये फिल्म गोल माल 2017 फ्रेंचाइज की चौथी किस्त है और इस अजय देवगन, तब्बू, अरशद वारसी, प्रीति चोपड़ा, अतिशार कपूर, शरियास तालपड़े, कनाल क्यू, नील नितिन, मुकेश और जूनी लेवर शामिल हैं।
ये फिल्म दिवाली 2017 में रिलीज हुई थी। आमिर खान के सेक्रेट सुपरस्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और अब तक की 40वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई। इसका तहयात घरेलू खालिस मजमून 2,44,00,000 से ज़्यादा था, जबकि दुनिया भर में मजमूई 310.98 करोड़ पर ख़त्म हुई। इस फिल्म को नाकदीन के जन्म से इसकी मजाज और परफॉर्मेंस की तारीफ और तकनीकी पहलुओं की खामियों पर तनकीद के साथ मिले जुले जायजे मिले। सर्कस के उन्वान से एक स्पेन ऑफ 23 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। इसकी मूवी की स्टोरी लाइन पर नज़र दौड़ाते हैं दोस्तों। इस मूवी की फिल्म की स्टोरी यह है कि फिल्म की टाइम लाइन सर्कस के साथ मुंसलिक है और इसके बाद के वाकयात की अक्कासी करती है। गोपाल, मधु, लक्की, लक्ष्मण और लक्ष्मण 2 ओटी के एक यतीम खाने में यतीम है जो बिजनेसमैन जोए जमुना दास के जेरे इंतजाम है। गोपाल भूतों से डरता है, लक्की गूंगा है, लक्ष्मण को कोलब है। वो मकामी लैब्रीन अन्ना की भूतों और रूहों को देखने की सलाह से भी वाकिफ है। लड़के एक बच्ची को ढूंढते हैं और इसे अंदर ले जाते हैं, इसका नाम खुशी रखते हैं और इसकी देखभाल करते हैं। एक दिन जब मधु जमनाद के दोस्त प्यार करने वाले कर्नल चौहान के एक खाली बंगले में डरपोक गोपाल को मजाक उड़ाता है तो लड़कों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। गोपाल को सज़ा मिलती है जिससे गोपाल और लक्ष्मण को यतीम खाना छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। जल्द ही मधु, लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं। खुशी को बाद में कर्नल चौहान और इसकी बीवी ने गोद लिया है। कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के लिए काम करते हैं और मधु, लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं। जमुना दास के इंतकाल के बारे में जानने के बाद ग्रुप दोबारा मुत्तहिद हो गया। जमुना दास की यादगारी खिदमत के लिए 25 साल बाद यतीम खाने में वापस आते हुए वो कर्नल चौहान से मिलते हैं जो नबीना हो चुके हैं। वो यतीम खाने के एक यतीम आना और पप्पी के साथ दोबारा मिल जाते हैं जिनकी याददाश्त में अक्सर कमी होती है। वो एक लड़की से मिलते हैं जो इनके ख्याल में बंगले की देखभाल करने वाली दामनी है और खुशी के इंतकाल के बारे में जानते हैं। यादगारी की खिदमत के दौरान एक ताजिर वसु रेडी ने इंकशाफ किया कि यतीम खाने को मुनहदम कर दिया जाएगा और अपनी इमारत बनाने के मंसूबे के तहत दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। आना और कर्नल चौहान ने 2 कमरे किराए पर लेने का फैसला किया जिससे वसु परेशान हो जाता है जो बंगले को खाली करना चाहता है। जब ये ग्रुप यतीम खाने से निकलता है और घर वापस आता है तो रवानगी के दौरान एक भूत लक्ष्मण के पास आ जाता है और उस रात के बाद नाना पाटेकर की आवाज़ में बोलता है जो गोपाल को खौफज़दा कर देता है। भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अना को फोन करते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी इनके घर हैं। इसे लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का मशवरा देता है। बाद में भूत मधु के पास होता है और वसूली को इसे लक्ष्मण और लक्की को गोपाल और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के बंगले से वसु के लिए निकलने का इशारा करते हैं और बिलावास्ता तौर पर तीनों को ओटी वापस लाता है। ओटी पहुंचकर दोनों ग्रुप गुस्से में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तीनों ने गोपाल को डराने की कोशिश की कि वो घर से निकल जाए, लेकिन गोपाल को इसी भूत ने अपनी लपेट में ले लिया और लक्की और लक्ष्मण को बुरी तरह मारा। बाद में वसु ने मधु, लक्की और लक्ष्मण को घर को जलाने का काम सौंपा, लेकिन लक्की को भी भूत आ जाता है और नाना पाटेकर की आवाज़ में बात करना शुरू कर देता है जिससे ग्रुप खौफज़दा हो जाता है। इसके बाद दोनों ग्रुप वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं।
लेकिन अना और दामिनी इन्हें सालगिरह की तकरीब के लिए ठहराने पर राजी करते हैं और ग्रुप में तरमीम करते हैं। इन चारों को मालूम हुआ कि गोपाल को दामिनी से मोहब्बत हो गई है और वो इसे अपने जज्बात का एतराफ करने पर मजबूर करते हैं। जब दामिनी और गोपाल बाहर बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे, पप्पी वहां पहुंच गए और वो तस्वीर दिखाते हैं जो उसने कल की सालगिरह की तकरीब से ली थी। तहम ग्रुप को मालूम हुआ कि दामिनी को इन तस्वीरों में नहीं देखा जा सकता और पप्पी का कहना है कि वो गोपाल के पास बैठी किसी लड़की को नहीं देख सकते। ये इंकशाफ हुआ कि जिस लड़की को इन्होंने दामिनी तस्वर किया था वो दरअसल कोई और है और जो इन्हें सता रहा है। जब असली दामिनी पप्पी की गर्लफ्रेंड है, लड़के घबरा जाते हैं और पप्पी बबली भाई और वसूली भाई के साथ घर से फरार होने की कोशिश करते हैं। जब भूत खुद इसका एतराफ़ कर लेता है, अना पहुँच कर इन्हें रोकती है और इन्हें समझाती है कि भूत कोई और नहीं बल्कि इनकी बचपन की दोस्त खुशी है। खुशी के बयान करदा एक फ्लैशबैक में बताया गया है कि किस तरह इसके बॉयफ्रेंड नखल स्वारा एक नौजवान ताजे और जमुना दास के भतीजे ने यतीम खाने को हासिल करने और इसे गिराने और एक नया तफरी पार्क बनाने का मनसूबा बनाया था। जब जमुना दास ने इख्तलाफ किया तो दोनों में लड़ाई हुई जिसकी वजह से निखिल ने गुस्से में इसे मार डाला। इसका सामना करने और पुलिस के पास जाने की धमकी देने पर खुशी को निखिल ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। वसु की मदद से वो ये झूठ बोलने में कामयाब हो गए कि इसके कत्ल हादसात थे। ताहम खुशी की रूह अना के पास मदद के लिए आई जो हैरान थी कि लड़के की खुशी को देख सकते हैं और आखिरकार खुशी को इंसाफ दिलाने में मदद के लिए इन्हें घर ले आए। हाल में वापस गोपाल वसु के भेजे हुए गुंडों को मारता है जबकि बाकी लड़के जो इस मामले से दूर रहना चाहते थे जज्बाती तौर पर रहने के लिए राजी हो जाते हैं। वो गोपाल को कायल करते हैं कि वो गुंडों को पीछा करना छोड़ दे और बाद में तकरीबन वसु को डराने में कामयाब हो जाएंगे कि वो सच का एतराफ कर ले। लेकिन निखिल इनके करने से पहले पहुंच जाता है और इंकशाफ करता है कि इसे मुजरिम साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। ये लड़ाई की तरफ जाता है जिसके दौरान खुशी निखिल पर हमला करती है और इसे तकरीबन मार देती है, लेकिन आना इसे परसकून कर देती है और वसूल निखिल का एतराफ करने पर राजी करता है। यतीम खाने को बचाने के साथ खुशी की रूह लड़कों और अना की को अलविदा करती है और जन्नत में चली जाती है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको नजर आएगा। कास्टिंग की तरफ लेके चलता हूँ, टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी में आपको अजय देवगन बतौर गोपाल के रोल में नजर आएंगे, तब्बू बतौर एना, मिथू रावी, अरशद वारसी बतौर माधु, प्रीति चोपड़ा बतौर खुशी चौहान दामिनी, तुषार कपूर बतौर लक्की, मोहम्मद सऊद मंसूरी बतौर यंग लक्की, शरियाज तालपड़े बतौर लक्ष्मण वन, कनाल क्यू बतौर लक्ष्मण टू, नील लथन मुकेश बतौर नखल, जोनी लीवर बतौर पप्पी, पब्ली के किरदार में संजय मिश्रा, मिकेश तिवारी बतौर वसूली, प्रकाश राज बतौर वासु रेड्डी, बबली के किरदार में संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी बतौर वसूली, प्रकाश राज बतौर वासु रेड्डी, ब्रजेश हरजी बतौर पांडु बनका, मुरली शर्मा बतौर इंस्पेक्टर डंडे, विजय पाटकरा बतौर हवलदार गधारी पौधे टेकर, जोय जमुना दास के तौर पर, सचिन खीट बतौर कर्नल चौहान दामिनी के तौर पर, अश्विनी कलिस्कर मुमताज बतौर मिसेस चौहान कर्नल की बीवी, शर्या अंचन बहसियत खुद, मोहन राम बतौर राम ईर भूत, शर्यसूर बतौर प्रेरणा आइज, नाना पाटेकर खुद भूत की आवाज़ हैं।
टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रोहित शेट्टी, राइटर हैं जी और स्क्रीन प्ले जो इस मूवी के जिन्होंने की है उनका नाम है यूनुस सजावल, डायलॉग फरहाद साजिद की हैं, स्टोरी रोहित शेट्टी की है, प्रोड्यूस्ड बाई संगीता सचन अहीर रोहित शेट्टी, इसके साथ शिवस शेखर मेन किरदार अदा करते आपको इस मूवी में जो नजर आएंगे वो है जी सरफरिस्त अज्जे, इसके साथ दूसरे नंबर पर जो आती हैं उनका नाम है तब्बू, तीसरे नंबर पर आते हैं अरशद वारसी, इसके अलावा तुषार कपूर, शरियाज तालपड़े, कनाल किमू और नेहल निथन, मुकेश जोन लेवर, स्क्रीन प्ले जूमन टी जोहन, एडिट बाई बोंटी नागी, म्यूजिक बाई अमार मोहली और इसके अलावा गाने जो हैं इस मूवी के वो लिखे हैं तमन अमाल मलिक, लीजो जीरजी अभिषेक और राय, प्रोडक्शन कंपनी है जी इस मूवी की रिलायंस इंटरटेनमेंट, मंगल मूर्ति फिल्म्स, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूट बाय रिलायंस इंटरटेनमेंट, रिलीज डेट 20 अक्टूबर 2017, रनिंग टाइम इसका 152 मिनट का है और इसके अलावा कंट्री स्किन जो है लैंग्वेज इसकी हिंदी है। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 70 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 311 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। दोस्तों ये है जी गोल मार अगेन मूवी की मुकम्मल मालूमात जो कि हमने आपको दी, यकीन आपको पसंद आई होगी। गोल मार अगेन हिंदुस्तानी हिंदी जबान की माफूकुल फितरत कॉमेडी फिल्म है जिसकी तहरीर और हिदायतकारी रोहित शेट्टी ने की है। रोहित शेट्टी पैकेज मंगल मूर्ति फिल्म्स और रिलायंस इंटरटेनमेंट के जरिए तैयार करदा ये फिल्म गोल मार 2017 फ्रेंचाइज की चौथी किस्त है और इस अजय देवगन, तब्बू, अरशद वारसी, प्रीति चोपड़ा, अतिशार कपूर, शरियास तालपड़े, कनाल क्यू, नील नितिन, मुकेश और जूनी लेवर शामिल हैं। ये फिल्म दिवाली 2017 में रिलीज हुई थी। आमिर खान के सेक्रेट सुपरस्टार के साथ टकराव के बावजूद गोल माल अगेन साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई, बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और अब तक की 40वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई। इसका तहयात घरेलू खालिस मजमूआ 2.44 करोड़ से ज़्यादा था जबकि दुनिया भर में मजमूई 310.98 करोड़ पर ख़त्म हुई। इस फिल्म को नाकदीन के जन्म से इसकी मजाज और परफॉर्मेंस की तारीफ और तकनीकी पहलुओं की खामियों पर तनकीद के साथ मिले जुले जायजे मिले। सर्कस के उन्वान से एक स्पेन ऑफ 23 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। इसकी मूवी की स्टोरी लाइन पर नज़र दौड़ाते हैं उसको इस मूवी की फिल्म की स्टोरी यह है कि फिल्म की टाइम लाइन सर्कस के साथ मुंसलिक है और इसके बाद के वाकयात की अक्कासी करती है। गोपाल, मधु, लक्की, लक्ष्मण और लक्ष्मण टू ओटी के एक यतीम खाने में यतीम है जो बिजनेस मैन जोए जमुना दास के जेरे इंतजाम हैं। गोपाल भूतों से डरता है, लक्की गूंगा है, लक्ष्मण को कोलब है। वो मकामी लैब्रीन अना की भूतों और रूहों को देखने की सलाह से भी वाकिफ है। लड़के एक बच्ची को ढूंढते हैं और इसे अंदर ले जाते हैं, इसका नाम खुशी रखते हैं और इसकी देखभाल करते हैं। एक दिन जब मधु जमनाद के दोस्त प्यार करने वाले कर्नल चौहान के एक खाली बंगले में डरपोक गोपाल को मजाक उड़ाता है तो लड़कों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। गोपाल को सजा मिलती है जिससे गोपाल और लक्ष्मण को यतीम खाना छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। जल्द ही मधु, लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं। खुशी को बाद में कर्नल चौहान और इसकी बीवी ने गोद लिया है।
कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के लिए काम करते हैं और माधु लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं। जमुना दास के इंतकाल के बारे में जानने के बाद ग्रुप दोबारा मोथित हो गया। जमुना दास की यादगारी खिदमत के लिए 25 साल बाद यतीम खाने में वापस आते हुए वो कर्नल चौहान से मिलते हैं जो नबीना हो चुके हैं। वो यतीम खाने के एक यतीम आना और पप्पी के साथ दोबारा मिल जाते हैं जिनकी यादाश्त में अक्सर कमी होती है। वो एक लड़की से मिलते हैं जो इनके ख्याल में बंगले की देखभाल करने वाली दामनी है और खुशी के इंतकाल के बारे में जानते हैं। यादगारी की खिदमत के दौरान एक ताजिर वसू रेडी ने इंकशाफ किया कि यतीम खाने को मुनहदम कर दिया जाएगा और अपनी इमारत बनाने के मंसूबे के तहत दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। आना और कर्नल चौहान ने दो कमरे किराए पर लेने का फैसला किया जिससे वसु परेशान हो जाता है जो बंगले को खाली करना चाहता है। जब ये ग्रुप यतीम खाने से निकलता है और घर वापस आता है तो रवानगी के दौरान एक भूत लक्ष्मण के पास आ जाता है और उस रात के बाद नाना पाटेकर की आवाज़ में बोलता है जो गोपाल को खौफज़दा कर देता है। भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अना को फोन करते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी इनके घर हैं। इसे लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का मशवरा देता है। बाद में भूत मधु के पास होता है और वसूली को इसे लक्ष्मण और लक्की को गोपाल और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के बंगले से वसू के लिए निकलने का इशारा करते हैं और बिलावास्ता तौर पर तीनों को ओटी वापस लाता है। ओटी पहुंचकर दोनों ग्रुप गुस्से में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तीनों ने गोपाल को डराने की कोशिश की कि वो घर से निकल जाए लेकिन गोपाल को इसी भूत ने अपनी लपेट में ले लिया और लक्की और लक्ष्मण को पूरी तरह मारा। बाद में वसु ने मधु लक्की और लक्ष्मण को घर को चलाने का काम सौंपा लेकिन लक्की को भी भूत आ जाता है और नाना पाटेकर की आवाज़ में बात करना शुरू कर देता है जिससे ग्रुप खौफज़दा हो जाता है। इसके बाद दोनों ग्रुप वहां से निकलने का फैसला करते हैं लेकिन अना और दामनी इन्हें सालगिरह की तकरीब के लिए ठहराने पर राजी करते हैं और ग्रुप में तरमीम करते हैं। इन चारों को मालूम हुआ कि गोपाल को दामनी से मोहब्बत हो गई है और वो इसे अपने जज्बात का एतराफ़ करने पर मजबूर करते हैं। जब दामनी और गोपाल बाहर बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे पप्पी वहां पहुंच गए और वो तस्वीर दिखाते हैं जो उसने कल की सालगिरह की तकरीब से ली थी। तहम ग्रुप को मालूम हुआ कि दामनी को इन तस्वीरों में नहीं देखा जा सकता और पप्पी का कहना है कि वो गोपाल के पास बैठे किसी लड़की को नहीं देख सकते। ये इंकशाफ हुआ कि जिस लड़की को इन्होंने दामनी तसव्वुर किया था वो दरअसल कोई और है और जो इन्हें सता रहा है। जब असली दामनी पप्पी की गर्लफ्रेंड है लड़के घबरा जाते हैं और पप्पी बबली भाई और वसूली भाई के साथ घर से फरार होने की कोशिश करते हैं। जब भूत खुद इसका एतराफ़ कर लेता है आना पहुँच कर इन्हें रोकती है और इन्हें समझाती है कि भूत कोई और नहीं बल्कि इनकी बचपन की दोस्त खुशी है। खुशी के बयान करदा एक फ्लैशबैक में बताया गया है कि किस तरह इसके बॉयफ्रेंड नखल स्वारा एक नौजवान ताजे जमुना दास के भतीजे ने यतीम खाने को हासिल करने और इसे गिराने और एक नया तफरी पार्क बनाने का मंसूबा बनाया था। जब जमुना दास ने इख्तलाफ किया तो दोनों में लड़ाई हुई जिसकी वजह से निखिल ने गुस्से में इसे मार डाला। इसका सामना करने और पुलिस के पास जाने की धमकी देने पर खुशी को निखिल ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। वसु की मदद से वो ये झूठ बोलने में कामयाब हो गए कि इसके कत्ल हादसात थे। ताहम खुशी की रूह अना के पास मदद के लिए आई जो हैरान थी कि लड़के की
खुशी को देख सकते हैं और आखिरकार खुशी को इंसाफ दिलाने में मदद के लिए इन्हें घर ले आए। हाल में वापस गोपाल वसु के भेजे हुए गुंडों को मारता है, जबकि बाकी लड़के जो इस मामले से दूर रहना चाहते थे जज्बाती तौर पर रहने के लिए राजी हो जाते हैं। वो गोपाल को कायल करते हैं कि वो गुंडों का पीछा करना छोड़ दे और बाद में तकरीबन वसु को डराने में कामयाब हो जाएंगे। वो सच का एतराफ कर ले, लेकिन निखिल एन के करने से पहले पहुंच जाता है और इंकशाफ करता है कि इसे मुजरिम साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। ये लड़ाई की तरफ जाता है, जिसके दौरान खुशी निखिल पर हमला करती है और इसे तकरीबन मार देती है, लेकिन आना इसे परसकून कर देती है और वसु निखिल का एतराफ़ करने पर राजी करता है। यतीम खाने को बचाने के साथ खुशी की रूह लड़कों और अना की को अलविदा करती है और जन्नत में चली जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको नजर आएगा। कास्टिंग की तरफ लेके चलता हूँ, टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी में आपको अजय देवगन बतौर गोपाल के रोल में नजर आएंगे, तब्बू बतौर एना मेथू रावी, अरशद वारसी बतौर माधु, प्रीति चोपड़ा बतौर खुशी चौहान दामनी, तुषार कपूर बतौर लक्की, मोहम्मद सऊद मंसूरी बतौर यंग लक्की, शरियाज तालपड़े बतौर लक्ष्मण वन, कनाल क्यू बतौर लक्ष्मण टू, नील लथन मुकेश बतौर नखल, जॉनी लीवर बतौर पप्पी, पब्ली के किरदार में संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी बतौर वसूली, प्रकाश राज बतौर वासु रेड्डी, बबली के किरदार में संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी बतौर वसूली, प्रकाश राज बतौर वसु रेड्डी, ब्रजेश हरजी बतौर पांडू वनका, मुरली शर्मा बतौर इंस्पेक्टर डंडे, विजय पाटकरा बतौर हवलदार गधारी पौधे टेकर, जोय जमुना दास के तौर पर, सचिन खीट बतौर कर्नल चौहान दामनी के तौर पर, अश्विनी कलिस्कर मुमताज बतौर मिसेस चौहान कर्नल की बीवी, शर्या अंचन बहसियत खुद मोहन राम बतौर राम ईर भूत, शर्यसूर बतौर प्रेरणा आइज नाना पाटेकर खुद भूत की आवाज़ हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रोहित शेट्टी, राइटर हैं जी, और स्क्रीन प्ले जो इस मूवी की जिन्होंने की है उनका नाम है यूनुस सजावल, डायलॉग फरहाद साजिद की हैं, स्टोरी रोहित शेट्टी की है, प्रोड्यूस्ड बाय संगीता सचिन अहीर रोहित शेट्टी, इसके साथ शिवस शेखर मेन किरदार अदा करते। आपको इस मूवी में जो नजर आएंगे वो है जी सरफरिस्त अजय, इसके साथ दूसरे नंबर पर जो आती हैं उनका नाम है तब्बू, तीसरे नंबर पर आते हैं अरशद वारसी, इसके अलावा तुषार कपूर, शरियाज तालपड़े, कनाल किम्यू और नेहल निथन मुकेश जोन लेवर, स्क्रीन प्ले जुमन टी चौहान, एडिट बाई बोंटी नागी, म्यूजिक बाईस अमार मोहली, और इसके अलावा गाने जो हैं इस मूवी के वो लिखे हैं तमन अमाल मलिक, लीजो जीरजी अभिषेक और प्रोडक्शन कंपनी है जी इस मूवी की रिलायंस इंटरटेनमेंट, मंगल मूर्ति फिल्म्स, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूट बाय रिलायंस इंटरटेनमेंट, रिलीज डेट 20 अक्टूबर 2017, रनिंग टाइम इसका 152 मिनट का है, और इसके अलावा कंट्रीज की इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 70 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 311 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। तो ये है जी गोल मार अगेन मूवी की मुकम्मल मालूमात जो कि हमने आपको दी, यकीन आपको समझ होगी। गोल मार अगेन
हिंदुस्तानी हिंदी जबान की माफूक उलफितरत कॉमेडी फिल्म है, जिसकी तहरीर और हिदायतकारी रोहित शेट्टी ने की है। रोहित शेट्टी पैकेज मंगल मूर्ति फिल्म्स और रिलायंस इंटरटेनमेंट के जरिए तैयार करदा ये फिल्म गोल माल 2017 फ्रेंचाइज की चौथी किस्त है और इसमें अजय देवगन, तब्बू, अरशद वारसी, प्रीति चोपड़ा, अतिशार कपूर, शरियास तालपड़े, कनाल क्यू, नील नितिन मुकेश और जूनी लेवर शामिल हैं। ये फिल्म दिवाली 2017 में रिलीज हुई थी। आमिर खान के सेक्रेट सुपरस्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और अब तक की 40वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई। इसका तहयात घरेलू खालिस मजमूआ 2,44,00,000 से ज़्यादा था, जबकि दुनिया भर में मजमूई 310.98 करोड़ पर ख़त्म हुई। इस फिल्म को नाकदीन के जन्म से इसकी मजाज और परफॉर्मेंस की तारीफ और तकनीकी पहलुओं की खामियों पर तनकीद के साथ मिले जुले जायजे मिले। सर्कस के उन्वान से एक स्पेन ऑफ 23 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। इसकी मूवी की स्टोरी लाइन पर नज़र दौड़ाते हैं। इस मूवी की फिल्म की स्टोरी यह है कि फिल्म की टाइम लाइन सर्कस के साथ मुंसलिक है और इसके बाद के वाकयात की अक्कासी करती है। गोपाल, मधु, लक्की, लक्ष्मण और लक्ष्मण 2 ओटी के एक यतीम खाने में यतीम है, जो बिजनेसमैन जोए जमुना दास के जेर इंतज़ाम है। गोपाल भूतों से डरता है, लक्की गूंगा है और लक्ष्मण को कोलब है। वो मकामी लैब्रीन अन्ना की भूतों और रूहों को देखने की सलाह से भी वाकिफ है। लड़के एक बच्ची को ढूंढते हैं और इसे अंदर ले जाते हैं, इसका नाम खुशी रखते हैं और इसकी देखभाल करते हैं। एक दिन जब मधु जमनाद के दोस्त प्यार करने वाले कर्नल चौहान के एक खाली बंगले में डरपोक गोपाल को मजाक उड़ाता है तो लड़कों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। गोपाल को सज़ा मिलती है, जिससे गोपाल और लक्ष्मण को यतीम खाना छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। जल्द ही मधु, लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं। खुशी को बाद में कर्नल चौहान और इसकी बीवी ने गोद लिया है। कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के लिए काम करते हैं और मधु, लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं। जमुना दास के इंतकाल के बारे में जानने के बाद ग्रुप दोबारा मुत्तहिद हो गया। जमुना दास की यादगारी खिदमत के लिए 25 साल बाद यतीम खाने में वापस आते हुए वो कर्नल चौहान से मिलते हैं, जो नबीना हो चुके हैं। वो यतीम खाने के एक यतीम आना और पप्पी के साथ दोबारा मिल जाते हैं, जिनकी याददाश्त में अक्सर कमी होती है। वो एक लड़की से मिलते हैं जो इनके ख्याल में बंगले की देखभाल करने वाली दामनी है और खुशी के इंतकाल के बारे में जानते हैं। यादगारी की खिदमात के दौरान एक ताजिर वसू रेडी ने इंकशाफ किया कि यतीम खाने को मुनहदम कर दिया जाएगा और अपनी इमारत बनाने के मंसूबे के तहत दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। आना और कर्नल चौहान ने 2 कमरे किराए पर लेने का फैसला किया, जिससे वो वासु परेशान हो जाता है, जो बंगले को खाली करना चाहता है। जब ये ग्रुप यतीम खाने से निकलता है और घर वापस आता है तो रवानगी के दौरान एक भूत लक्ष्मण के पास आ जाता है और उस रात के बाद नाना पाटेकर की आवाज़ में बोलता है, जो गोपाल को खौफज़दा कर देता है। भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अना को फोन करते हैं, जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी इनके घर है। इसे लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का मशवरा देता है। बाद में भूत मधु के पास होता है और वसूली को इसे लक्ष्मण और लक्की को गोपाल और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के बंगले से वसू के लिए निकलने का इशारा करते हैं और बिलावास्ता तौर पर तीनों को ओटी वापस लाता है।
ओटी पहुंचकर दोनों ग्रुप गुस्से में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तीनों ने गोपाल को डराने की कोशिश की कि वो घर से निकल जाए, लेकिन गोपाल को इसी भूत ने अपनी लपेट में ले लिया और लक्की और लक्ष्मण को बुरी तरह मारा। बाद में वसु ने मधु, लक्की और लक्ष्मण को घर को जलाने का काम सौंपा, लेकिन लक्की को भी भूत आ जाता है और नाना पाटेकर की आवाज में बात करना शुरू कर देता है, जिससे ग्रुप खौफजदा हो जाता है। इसके बाद दोनों ग्रुप वहां से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन अना और दामिनी इन्हें सालगिरह की तकरीब के लिए ठहराने पर राजी करते हैं और ग्रुप में तरमीम करते हैं। इन चारों को मालूम हुआ कि गोपाल को दामिनी से मोहब्बत हो गई है और वो इसे अपने जज्बात का एतराफ़ करने पर मजबूर करते हैं। जब दामिनी और गोपाल बाहर बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे, पप्पी वहां पहुंच गए और वो तस्वीर दिखाते हैं जो उसने कल की सालगिरह की तकरीब से ली थी। तहम ग्रुप को मालूम हुआ कि दामिनी को इन तस्वीरों में नहीं देखा जा सकता और पप्पी का कहना है कि वो गोपाल के पास बैठी किसी लड़की को नहीं देख सकते। ये इंकशाफ हुआ कि जिस लड़की को इन्होंने दामिनी तस्वर किया था वो दरअसल कोई और है और जो इन्हें सता रहा है। जब असली दामिनी पप्पी की गर्लफ्रेंड है, लड़के घबरा जाते हैं और पप्पी बबली भाई और वसूली भाई के साथ घर से फरार होने की कोशिश करते हैं। जब भूत खुद इसका एतराफ कर लेता है, आना पहुँच कर इन्हें रोकती है और इन्हें समझाती है कि भूत कोई और नहीं बल्कि इनकी बचपन की दोस्त खुशी है। खुशी के बयान करदा एक फ्लैशबैक में बताया गया है कि किस तरह इसके बॉयफ्रेंड नखल स्वारा एक नौजवान ताजे और जमुना दास के भतीजे ने यतीम खाने को हासिल करने और इसे गिराने और एक नया तफरी पार्क बनाने का मनसूबा बनाया था। जब जमुना दास ने इख्तलाफ किया तो दोनों में लड़ाई हुई, जिसकी वजह से निखिल ने गुस्से में इसे मार डाला। इसका सामना करने और पुलिस के पास जाने की धमकी देने पर खुशी को निखिल ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। वसु की मदद से वो ये झूठ बोलने में कामयाब हो गए कि इसके कत्ल हादसात थे। तहम खुशी की रूह अना के पास मदद के लिए आई, जो हैरान थी कि लड़के की खुशी को देख सकते हैं, और आखिरकार खुशी को इंसाफ दिलाने में मदद के लिए इन्हें घर ले आए। हाल में वापस गोपाल वसु के भेजे हुए गुंडों को मारता है, जबकि बाकी लड़के जो इस मामले से दूर रहना चाहते थे जज्बाती तौर पर रहने के लिए राजी हो जाते हैं। वो गोपाल को कायल करते हैं कि वो गुंडों को पीछा करना छोड़ दे और बाद में तकरीबन वसु को डराने में कामयाब हो जाएंगे कि वो सच का एतराफ़ कर ले, लेकिन निखिल इनके करने से पहले पहुंच जाता है और इनकशाफ करता है कि इसे मुजरिम साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। ये लड़ाई की तरफ जाता है, जिसके दौरान खुशी निखिल पर हमला करती है और इसे तकरीबन मार देती है, लेकिन आना इसे परसकून कर देती है और वसु निखिल का एतराफ़ करने पर राजी करता है। यतीम खाने को बचाने के साथ खुशी की रूह लड़कों और अना की को अलविदा करती है और जन्नत में चली जाती है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको नजर आएगा। कास्टिंग की तरफ लेके चलता हूँ, टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी में आपको अजय देवगन बतौर गोपाल के रोल में नजर आएंगे, तब्बू बतौर एना, मिथू रावी, अरशद वारसी बतौर माधु, प्रीति चोपड़ा बतौर खुशी चौहान दामिनी, तुषार कपूर बतौर लक्की, मोहम्मद सऊद मंसूरी बतौर यंग लक्की, शरियाज तालपड़े बतौर लक्ष्मण वन, कनाल क्यू बतौर लक्ष्मण टू, नील लथन मुकेश बतौर नखल, जोनी लीवर बतौर पप्पी, पब्ली के किरदार में संजय मिश्रा, मिकेश तिवारी बतौर वसूली, प्रकाश राज बतौर वासु रेड्डी, बबली के किरदार में संजय मिश्रा, मिकेश तिवारी बतौर वसूली, प्रकाश राज बतौर वासु रेड्डी,
वर्जेश हरजी बतौर पांडु वनका, मुरली शर्मा बतौर इंस्पेक्टर डंडे, विजय पाटकरा बतौर हवलदार गधारी पौधे टेकर, जोय जमुना दास के तौर पर, सचिन खीट बतौर कन्नर चौहान दामनी के तौर पर, अश्विनी कलिस्कर मुमताज बतौर मिसेस चौहान कर्नल की बीवी, शर्या अंचन महस्यते खुद, मोहन राम बतौर राम ईर भूत, शर्यसूर बतौर परेरना आइज, नाना पाटेकर खुद भूत की आवाज़ हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रोहित शेट्टी, राइटर हैं जी और स्क्रीन प्ले जो इस मूवी के जिन्होंने की है उनका नाम है यूनुस सजावल, डायलॉग फरहाद साजिद के हैं, स्टोरी रोहित शेट्टी की है, प्रोड्यूस्ड बाय संगीता सचिन अहीर रोहित शेट्टी, इसके साथ शिवस शेखर मेन किरदार अदा करते आपको इस मूवी में जो नज़र आएंगे वो है जी सरफरेज अच्छे, इसके साथ दूसरे नंबर पर जो आती हैं उनका नाम है तब्बू, तीसरे नंबर पर आते हैं अरशद वारसी, इसके अलावा तुषार कपूर शरियाज तालपड़े कनाल किमू और नेहल निथन मुकेश जोन लेवर, स्क्रीन प्ले जुमन टी चौहान, एडिट बाई बोंटी नागी, म्यूजिक बाई अमार मोहली और इसके अलावा गाने जो हैं इस मूवी के वो लिखे हैं तमन अमाल मलिक लीजो जीरजी अभिषेक और राय प्रोडक्शन कंपनी है जी इस मूवी की, रिलायंस इंटरटेनमेंट, मंगल मूर्ति फिल्म्स, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूट बाय रिलायंस इंटरटेनमेंट, रिलीज डेट 20 अक्टूबर 2017, रनिंग टाइम इसका 152 मिनट का है और इसके अलावा कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है, इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 70 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 311 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। दोस्तों ये है जी गोल मार अगेन मूवी की मुकम्मल मालूमात जो कि हमने आपको दी, यकीन आपको पसंद आई होगी। गोल मार अगेन हिंदुस्तानी हिंदी जबान की माफूकुल फितरत कॉमेडी फिल्म है जिसकी तहरीर और हिदायतकारी रोहित शेट्टी ने की है। रोहित शेट्टी पैकेज मंगल मूर्ति फिल्म्स और रिलायंस इंटरटेनमेंट के जरिए तैयार करदा ये फिल्म गोल मार 2017 फ्रेंचाइज की चौथी किस्त है और इस अजय देवगन तब्बू अरशद वारसी प्रीति चोपड़ा अतिशार कपूर शरियास तालपड़े कनाल क्यू नील नितिन मुकेश और जोनी लेवर शामिल हैं। ये फिल्म दिवाली 2017 में रिलीज हुई थी। आमिर खान के सेक्रेट सुपरस्टार के साथ टकराव के बावजूद गोल माल अगेन साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई, बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और अब तक की 40वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई। इसका तहयात घरेलू खालिस मजमूआ 2 करोड़ 44 से ज़्यादा था जबकि दुनिया भर में मजमूई 310.98 करोड़ पर ख़त्म हुई। इस फिल्म को नाकदीन के जन्म से इसकी मजाज और परफॉर्मेंस की तारीफ और तकनीकी पहलुओं की खामियों पर तनकीद के साथ मिले जुले जायजे मिले। सर्कस के उन्वान से एक स्पेन ऑफ 23 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। इसकी मूवी की स्टोरी लाइन पर नज़र दौड़ाते हैं दोस्तों, इस मूवी की फिल्म की स्टोरी यह है कि फिल्म की टाइमलाइन सर्कस के साथ मुंसलिक है और इसके बाद के वाकयात की अक्कासी करती है। गोपाल मधु लक्की लक्ष्मण और लक्ष्मण टू ओटी के एक यतीम खाने में यतीम है जो बिजनेसमैन जोय जमुना दास के जेरे इंतज़ाम है। गोपाल भूतों से डरता है, लक्की गूंगा है, लक्ष्मण को कोलब है। वो मकामी लेबरीन अना की भूतों और रूहों को देखने की सलाह से भी वाकिफ है।
लड़के एक बच्ची को ढूंढते हैं और इसे अंदर ले जाते हैं। इसका नाम खुशी रखते हैं और इसकी देखभाल करते हैं। एक दिन जब मधु जमनाद के दोस्त प्यार करने वाले कर्नल चौहान के एक खाली बंगले में डरपोक गोपाल को मजाक उड़ाता है तो लड़कों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। गोपाल को सजा मिलती है जिससे गोपाल और लक्ष्मण को यतीम खाना छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। जल्द ही मधु लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं। खुशी को बाद में कर्नल चौहान और इसकी बीवी ने गोद लिया है। कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के लिए काम करते हैं और मधु लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं। जमुना दास के इंतकाल के बारे में जानने के बाद ग्रुप दोबारा मोहित हो गया। जमुना दास की यादगारी खिदमत के लिए 25 साल बाद यतीम खाने में वापस आते हुए वो कर्नल चौहान से मिलते हैं जो नबीना हो चुके हैं। वो यतीम खाने के एक यतीम आना और पप्पी के साथ दोबारा मिल जाते हैं जिनकी याददाश्त में अक्सर कमी होती है। वो एक लड़की से मिलते हैं जो इनके ख्याल में बंगले की देखभाल करने वाली दामनी है और खुशी के इंतकाल के बारे में जानते हैं। यादगारी की खिदमत के दौरान एक ताजिर वसू रेडी ने इंकशाफ किया कि यतीम खाने को मुनहदम कर दिया जाएगा और अपनी इमारत बनाने के मंसूबे के तहत दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। आना और कर्नल चौहान ने दो कमरे किराए पर लेने का फैसला किया जिससे वसु परेशान हो जाता है जो बंगले को खाली करना चाहता है। जब ये ग्रुप यतीम खाने से निकलता है और घर वापस आता है तो रवानगी के दौरान एक भूत लक्ष्मण के पास आ जाता है और उस रात के बाद नाना पाटेकर की आवाज़ में बोलता है जो गोपाल को खौफजदा कर देता है। भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अना को फोन करते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी इनके घर है। इसे लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का मशवरा देता है। बाद में भूत मधु के पास होता है और वसूली को इसे लक्ष्मण और लक्की को गोपाल और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के बंगले से वसू के लिए निकलने का इशारा करते हैं और बिलावास्ता तौर पर तीनों को ओटी वापस लाता है। ओटी पहुंचकर दोनों ग्रुप गुस्से में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इन्होंने गोपाल को डराने की कोशिश की कि वो घर से निकल जाए लेकिन गोपाल को इसी भूत ने अपनी लपेट में ले लिया और लक्की और लक्ष्मण को बुरी तरह मारा। बाद में वसू ने मधु लक्की और लक्ष्मण को घर को जलाने का काम सौंपा लेकिन लक्की को भी भूत आ जाता है और नाना पाटेकर की आवाज़ में बात करना शुरू कर देता है जिससे ग्रुप खौफजदा हो जाता है। इसके बाद दोनों ग्रुप वहां से निकलने का फैसला करते हैं लेकिन अना और दामनी इन्हें सालगिरह की तकरीब के लिए ठहराने पर राजी करते हैं और ग्रुप में तरमीम करते हैं। इन चारों को मालूम हुआ कि गोपाल को दामनी से मोहब्बत हो गई है और वो इसे अपने जज्बात का एतराफ करने पर मजबूर करते हैं। जब दामनी और गोपाल बाहर बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे पप्पी वहां पहुंच गए और वो तस्वीर दिखाते हैं जो उसने कल की सालगिरह की तकरीब से ली थी। तहम ग्रुप को मालूम हुआ कि दामनी को इन तस्वीरों में नहीं देखा जा सकता और पप्पी का कहना है कि वो गोपाल के पास बैठी किसी लड़की को नहीं देख सकते। ये इंकशाफ हुआ कि जिस लड़की को इन्होंने दामनी तस्वर किया था वो दरअसल कोई और है और जो इन्हें सता रहा है। जब असली दामनी पप्पी की गर्लफ्रेंड है लड़के घबरा जाते हैं और पप्पी बबली भाई और वसूली भाई के साथ घर से फरार होने की कोशिश करते हैं। जब भूत खुद इसका एतराफ कर लेता है अना पहुँच कर इन्हें रोकती है और इन्हें समझाती है कि भूत कोई और नहीं बल्कि इनकी बचपन की दोस्त खुशी है। खुशी के बयान करदा एक फ्लैशबैक में बताया गया है कि किस तरह इसके बॉयफ्रेंड नखल स्वारा एक नौजवान ताजे और जमुना दास के भतीजे ने
यतीम खाने को हासिल करने और इसे गिराने और एक नया तफरी पार्क बनाने का मनसूबा बनाया था। जब जमुना दास ने इख्तलाफ किया तो दोनों में लड़ाई हुई, जिसकी वजह से निखिल ने गुस्से में इसे मार डाला। इसका सामना करने और पुलिस के पास जाने की धमकी देने पर खुशी को निखिल ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। वसु की मदद से वो ये झूठ बोलने में कामयाब हो गए कि इसके कत्ल हादसात थे। ताहम खुशी की रूह अना के पास मदद के लिए आई, जो हैरान थी कि लड़के की खुशी को देख सकते हैं, और आखिरकार खुशी को इंसाफ दिलाने में मदद के लिए इन्हें घर ले आए। हाल में वापस गोपाल वसु के भेजे हुए गुंडों को मारता है, जबकि बाकी लड़के जो इस मामले से दूर रहना चाहते थे जज्बाती तौर पर रहने के लिए राजी हो जाते हैं। वो गोपाल को कायल करते हैं कि वो गुंडों का पीछा करना छोड़ दे और बाद में तकरीबन वसु को डराने में कामयाब हो जाएंगे। वो सच का एतराफ कर ले, लेकिन निखिल इनके करने से पहले पहुंच जाता है और इनकशाफ करता है कि इसे मुजरिम साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। ये लड़ाई की तरफ जाता है, जिसके दौरान खुशी निखिल पर हमला करती है और इसे तकरीबन मार देती है, लेकिन आना इसे परसकून कर देती है और वसू निखिल का एतराफ करने पर राजी करता है। यतीम खाने को बचाने के साथ खुशी की रूह लड़कों और अना की को अलविदा करती है और जन्नत में चली जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको नजर आएगा। कास्टिंग की तरफ लेके चलता हूँ। टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो दोस्तों, इस मूवी में आपको अजय देवगन बतौर गोपाल के रोल में नजर आएंगे, तब्बू बतौर एना मेथू, रावी अरशद वारसी बतौर माधु, प्रीति चोपड़ा बतौर खुशी चौहान दामनी, तुषार कपूर बतौर लक्की, मोहम्मद सऊद मंसूरी बतौर यंग लक्की, शरियाज तालपड़े बतौर लक्ष्मण वन, कनाल क्यू बतौर लक्ष्मण टू, नील लथन मुकेश बतौर नखल, जोनी लीवर बतौर पप्पी, पब्ली के किरदार में संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी बतौर वसूली, प्रकाश राज बतौर वासु रेड्डी। बबली के किरदार में संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी बतौर वसूली, प्रकाश राज बतौर वासु रेड्डी, ब्रजेश हरजी बतौर पांडु बनका, मुरली शर्मा बतौर इंस्पेक्टर डंडे, विजय पाटकरा बतौर हवलदार गधारी, पौधे टेकर जोय जमुना दास के तौर पर, सचिन खीट बतौर कर्नल चौहान दामनी के तौर पर, अश्विनी कलिस्कर मुमताज बतौर मिसेस चौहान कर्नल की बीवी, शर्या अंचन बहसियत खुद, मोहन राम बतौर राम ईर भूत, शर्यसूर बतौर प्रेरणा आइज, नाना पाटेकर खुद भूत की आवाज़ हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रोहित शेट्टी, राइटर हैं जी, और स्क्रीन प्ले जो इस मूवी के जिन्होंने की है उनका नाम है यूनुस सजावल, डायलॉग फरहाद साजिद के हैं, स्टोरी रोहित शेट्टी की है, प्रोड्यूस्ड बाय संगीता सचिन अहीर रोहित शेट्टी, इसके साथ शिवसस शेखर मेन किरदार अदा करते आपको इस मूवी में जो नजर आएंगे वो है जी सरफरिस्त अज्जे, इसके साथ दूसरे नंबर पर जो आती हैं उनका नाम है तब्बू, तीसरे नंबर पर आते हैं अरशद वारसी, इसके अलावा तुषार कपूर, शरियाज तालपड़े, कनाल किम्यू और नेहल निथन मुकेश, जोन लेवर, स्क्रीन प्ले जुमन टी चौहान, एडिट बाई बोंटी नागी, म्यूजिक बाई अमार मोहली, और इसके अलावा गाने जो हैं इस मूवी के वो लिखे हैं तमन अमाल मलिक, लीजो जीरजी अभिषेक और प्रोडक्शन कंपनी है जी इस मूवी की, रिलायंस इंटरटेनमेंट
मंगल मूर्ति फिल्म्स, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूट बाय रिलायंस इंटरटेनमेंट, रिलीज डेट 20 अक्टूबर 2017, रनिंग टाइम इसका 152 मिनट का है, और इसके अलावा कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 70 करोड़ की लागत आई, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 311 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। दोस्तों ये है जी गोल माल अगेन मूवी की मुकम्मल मालूमात, जो कि हमने आपको दी, यकीन आपको पसंद नहीं होगी। गोल माल अगेन हिंदुस्तानी हिंदी जबान की माफूकुल फितरत कॉमेडी फिल्म है, जिसकी तहरीर और हिदायतकारी रोहित शेट्टी ने की है। रोहित शेट्टी पैकेज मंगल मूर्ति फिल्म्स और रिलायंस इंटरटेनमेंट के जरिए तैयार करदा ये फिल्म गोलमाल 2017 फ्रेंचाइज की चौथी किस्त है, और इस अजय देवगन, तब्बू, अरशद वारसी, प्रीति चोपड़ा, अतिशार कपूर, शरियास तालपड़े, कनाल क्यू, नील नथन, मकेश और जूनी लेवर शामिल हैं। ये फिल्म दिवाली 2017 में रिलीज हुई थी। आमिर खान के सेक्रेट सुपरस्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई, बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और अब तक की 40वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई। इसका तहयात घरेलू खालिस मजमूआ 2 करोड़ 44 से ज़्यादा था, जबकि दुनिया भर में मजमूई 310.98 करोड़ पर ख़त्म हुई। इस फिल्म को नाकदीन के जन्म से इसकी मजाज और परफॉर्मेंस की तारीफ और तकनीकी पहलुओं की खामियों पर तनकीद के साथ मिले जुले जायजे मिले। सर्कस के उन्वान से एक स्पेन ऑफ 23 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। इसकी मूवी की स्टोरी लाइन पर नज़र दौड़ाते हैं, उस इस मूवी की फिल्म की स्टोरी यह है कि फिल्म की टाइम लाइन सर्कस के साथ मुंसलिक है और इसके बाद के वाकयात की अक्कासी करती है। गोपाल, मधु, लक्की, लक्ष्मण और लक्ष्मण 2 ओटी के एक यतीम खाने में यतीम है, जो बिजनेस मैन जोए जमुना दास के जेरे इंतज़ाम है। गोपाल भूतों से डरता है, लक्की गूंगा है, लक्ष्मण को कोलब है। वो मकामी लेबरीन अना की भूतों और रूहों को देखने की सलाह से भी वाकिफ है। लड़के एक बच्ची को ढूंढते हैं और इसे अंदर ले जाते हैं, इसका नाम खुशी रखते हैं और इसकी देखभाल करते हैं। एक दिन जब मधु जमनाद के दोस्त प्यार करने वाले कर्नल चौहान के एक खाली बंगले में डरपोक गोपाल को मजाक उड़ाता है तो लड़कों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। गोपाल को सज़ा मिलती है, जिससे गोपाल और लक्ष्मण को यतीम खाना छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। जल्द ही मधु, लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं। खुशी को बाद में कर्नल चौहान और इसकी बीवी ने गोद लिया है। कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के लिए काम करते हैं और मधु, लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं। जमुना दास के इंतकाल के बारे में जानने के बाद ग्रुप दोबारा मुत्तहिद हो गया। जमुना दास की यादगारी खिदमत के लिए 25 साल बाद यतीम खाने में वापस आते हुए वो कर्नल चौहान से मिलते हैं, जो नबीना हो चुके हैं। वो यतीम खाने के एक यतीम आना और पप्पी के साथ दोबारा मिल जाते हैं, जिनकी याददाश्त में अक्सर कमी होती है। वो एक लड़की से मिलते हैं जो इनके ख्याल में बंगले की देखभाल करने वाली दामनी है और खुशी के इंतकाल के बारे में जानते हैं। यादगारी की खिदमत के दौरान एक ताजिर वसु रेडी ने इंकशाफ किया कि यतीम खाने को मुनहदम कर दिया जाएगा और अपनी इमारत बनाने के मंसूबे के तहत दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। आना और कर्नल चौहान ने 2 कमरे किराए पर लेने का फैसला किया, जिससे वसु परेशान हो जाता है, जो बंगले को खाली करना चाहता है। जब ये ग्रुप यतीम खाने से निकलता है और घर वापस आता है तो रवानगी के दौरान एक भूत लक्ष्मण के पास आ जाता है और उस रात के बाद नाना पाटेकर की आवाज़ में बोलता है,
जो गोपाल को खौफजदा कर देता है। भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अना को फोन करते हैं, जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी इनके घर हैं। इसे लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का मशवरा देता है। बाद में भूत मधु के पास होता है और वसूली को इसे लक्ष्मण और लक्की को गोपाल और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के बंगले से वसू के लिए निकलने का इशारा करते हैं और बिलावास्ता तौर पर तीनों को ओटी वापस लाता है। ओटी पहुंचकर दोनों ग्रुप गुस्से में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तीनों ने गोपाल को डराने की कोशिश की कि वो घर से निकल जाए, लेकिन गोपाल को इसी भूत ने अपनी लपेट में ले लिया और लक्की और लक्ष्मण को पूरी तरह मारा। बाद में वसु ने मधु लक्की और लक्ष्मण को घर को जलाने का काम सौंपा, लेकिन लक्की को भी भूत आ जाता है और नाना पाटेकर की आवाज़ में बात करना शुरू कर देता है, जिससे ग्रुप खौफजदा हो जाता है। इसके बाद दोनों ग्रुप वहां से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन अना और दामिनी इन्हें सालगिरह की तकरीब के लिए ठहराने पर राजी करते हैं और ग्रुप में तरमीम करते हैं। इन चारों को मालूम हुआ कि गोपाल को दामिनी से मोहब्बत हो गई है और वो इसे अपने जज्बात का एतराफ करने पर मजबूर करते हैं। जब दामिनी और गोपाल बाहर बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे, पप्पी वहां पहुंच गए और वो तस्वीर दिखाते हैं जो उसने कल की सालगिरह की तकरीब से ली थी। तहम ग्रुप को मालूम हुआ कि दामिनी को इन तस्वीरों में नहीं देखा जा सकता। और पप्पी का कहना है कि वो गोपाल के पास बैठी किसी लड़की को नहीं देख सकते। ये इंकशाफ हुआ कि जिस लड़की को इन्होंने दामिनी तस्वर किया था वो दरअसल कोई और है और जो इन्हें सता रहा है, जब असली दामिनी पप्पी की गर्लफ्रेंड है। लड़के घबरा जाते हैं और पप्पी बबली भाई और वसूली भाई के साथ घर से फरार होने की कोशिश करते हैं। जब भूत खुद इसका एतराफ़ कर लेता है, अना पहुँच कर इन्हें रोकती है और इन्हें समझाती है कि भूत कोई और नहीं बल्कि इनकी बचपन की दोस्त खुशी है। खुशी के बयान करदा एक फ्लैशबैक में बताया गया है कि किस तरह इसके बॉयफ्रेंड नखल स्वारा एक नौजवान ताजे और जमुना दास के भतीजे ने यतीम खाने को हासिल करने और इसे गिराने और एक नया तफरी पार्क बनाने का मनसूबा बनाया था। जब जमुना दास ने इख्तलाफ किया तो दोनों में लड़ाई हुई, जिसकी वजह से निखिल ने गुस्से में इसे मार डाला। इसका सामना करने और पुलिस के पास जाने की धमकी देने पर खुशी को निखिल ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। वसु की मदद से वो ये झूठ बोलने में कामयाब हो गए कि इसके कत्ल हादसात थे। ताहम खुशी की रूह अना के पास मदद के लिए आई, जो हैरान थी कि लड़के की खुशी को देख सकते हैं, और आखिरकार खुशी को इंसाफ दिलाने में मदद के लिए इन्हें घर ले आए। हाल में वापस गोपाल वसु के भेजे हुए गुंडों को मारता है, जबकि बाकी लड़के जो इस मामले से दूर रहना चाहते थे जज्बाती तौर पर रहने के लिए राजी हो जाते हैं। वो गोपाल को कायल करते हैं कि वो गुंडों को पीछा करना छोड़ दे और बाद में तकरीबन वसु को डराने में कामयाब हो जाएंगे। वो सच का एतराफ कर ले, लेकिन निखिल इनके करने से पहले पहुंच जाता है और इंकशाफ करता है कि इसे मुजरिम साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। ये लड़ाई की तरफ जाता है, जिसके दौरान खुशी निखिल पर हमला करती है और इसे तकरीबन मार देती है, लेकिन अना इसे परसकून कर देती है और वसु निखिल का एतराफ़ करने पर राजी करता है। यतीम खाने को बचाने के साथ खुशी की रूह लड़कों और अना की को अलविदा करती है और जन्नत में चली जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको नजर आएगा। कास्टिंग की तरफ लेके चलता हूँ। टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो दोस्तों, इस मूवी में आपको अजय देवगन बतौर गोपाल के रोल में नजर आएंगे, तब्बू बतौर एना, मिथू रावी, अरशद वारसी बतौर माधु, प्रीति चोपड़ा बतौर खुशी चौहान दामिनी, तुषार कपूर बतौर लक्की,
मोहम्मद सऊद मंसूरी बतौर यंग लक्की शरियास तालपड़े बतौर लक्ष्मण वन कनाल क्यू बतौर लक्ष्मण टू नील लथन मुकेश बतौर नखल जॉनी लीवर बतौर पप्पी पब्ली के किरदार में संजय मिश्रा मुकेश तिवारी बतौर वसूली प्रकाश राज बतौर वासु रेड्डी पब्ली के किरदार में संजय मिश्रा मुकेश तिवारी बतौर वसूली प्रकाश राज बतौर वसु रेड्डी ब्रजेश हरजी बतौर पांडु वनका मुरली शर्मा बतौर इंस्पेक्टर डंडे विजय पाटकरा बतौर हवलदार गधारी पौधे टेकर जोय जमुना दास के तौर पर सचिन खीट बतौर कर्नल चौहान दामनी के तौर पर अश्विनी कलिस्कर मुमताज बतौर मिसेस चौहान कर्नल की बीवी शरिया अंचन बहसियत खुद मोहन राम बतौर राम ईर भूत शरयसूर बतौर प्रेरणा आइस नाना पाटेकर खुद भूत की आवाज़ हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रोहित शेट्टी, राइटर हैं जी और स्क्रीन प्ले जो इस मूवी की जिन्होंने की है उनका नाम है यूनुस सजावल, डायलॉग फरहाद साजिद की हैं, स्टोरी रोहित शेट्टी की है, प्रोड्यूस्ड बाई संगीता सचिन अहीर रोहित शेट्टी, इसके साथ शिवसस शेखर मेन किरदार अदा करते। आपको इस मूवी में जो नजर आएंगे वो है जी सरफरेस्त अच्छे, इसके साथ दूसरे नंबर पर जो आती हैं उनका नाम है तब्बू, तीसरे नंबर पर आते हैं अरशद वारसी, इसके अलावा तुषार कपूर शरियाज तालपड़े कनाल किम्यू और नेहल निथन मुकेश जॉन लेवर स्क्रीन प्ले जूमन टी चौहान एडिट बाई बोंटी नागी म्यूजिक बाई अमार मोहली और इसके अलावा गाने जो हैं इस मूवी के वो लिखे हैं तमन अमाल मलिक लीजो जीरजी अभिषेक और प्रोडक्शन कंपनी है जी इस मूवी की रिलायंस इंटरटेनमेंट मंगल मूर्ति फिल्म्स रोहित शेट्टी पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट बाय रिलायंस इंटरटेनमेंट रिलीज डेट 30 अक्टूबर 2017 रनिंग टाइम इसका 152 मिनट का है और इसके अलावा कंट्री इसकी इंडिया है लैंग्वेज इसकी हिंदी है। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 70 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 311 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। दोस्तों ये है जी गोल माल अगेन मूवी की मुकम्मल मालूमात जो कि हमने आपको दी, यकीन आपको पसंद आई होगी। गोल माल अगेन हिंदुस्तानी हिंदी जबान की माफूकुल फितरत कॉमेडी फिल्म है जिसकी तहरीर और हिदायतकारी रोहित शेट्टी ने की है। रोहित शेट्टी पैकेज मंगल मूर्ति फिल्म्स और रिलायंस इंटरटेनमेंट के जरिए तैयार करदा ये फिल्म गोल माल 2017 फ्रेंचाइज की चौथी किस्त है और इस अजय देवगन तब्बू अरशद वारसी प्रीति चोपड़ा अतिशार कपूर शरियास तालपड़े कनाल क्यू नील नितिन मुकेश और जूनी लेवर शामिल हैं। ये फिल्म दिवाली 2017 में रिलीज हुई थी। आमिर खान के सेक्रेट सुपरस्टार के साथ टकराव के बावजूद गोल माल अगेन साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई, बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और अब तक की 40वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई। इसका तहयात घरेलू खालिस मजमूआ 2 करोड़ 44 से ज़्यादा था जबकि दुनिया भर में मजमूई 310.98 करोड़ पर ख़त्म हुई। इस फिल्म को नाकदीन के जन्म से इसकी मजाज और परफॉर्मेंस की तारीफ और तकनीकी पहलुओं की खामियों पर तनकीद के साथ मिले जुले जायजे मिले। सर्कस के उन्वान से एक स्पेन ऑफ 2023 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। इसकी मूवी की
स्टोरी लाइन पर नज़र दौड़ाते हैं दोस्तों, इस मूवी की फिल्म की स्टोरी यह है कि फिल्म की टाइम लाइन सर्कस के साथ मुंसलिक है और इसके बाद के वाकयात की अक्कासी करती है। गोपाल, मधु, लक्की, लक्ष्मण और लक्ष्मण टू ओटी के एक यतीम खाने में यतीम है जो बिजनेस मैन जोए जमुना दास के जेर इंतज़ाम हैं। गोपाल भूतों से डरता है, लक्की गूंगा है और लक्ष्मण को कोलब है। वो मकामी लैब्रीन अना की भूतों और रूहों को देखने की सलाह से भी वाकिफ है। लड़के एक बच्ची को ढूंढते हैं और इसे अंदर ले जाते हैं, इसका नाम खुशी रखते हैं और इसकी देखभाल करते हैं। एक दिन जब मधु जमनाद के दोस्त प्यार करने वाले कर्नल चौहान के एक खाली बंगले में डरपोक गोपाल को मजाक उड़ाता है तो लड़कों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। गोपाल को सज़ा मिलती है जिससे गोपाल और लक्ष्मण को यतीम खाना छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। जल्द ही मधु, लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं। खुशी को बाद में कर्नल चौहान और इसकी बीवी ने गोद लिया है। कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के लिए काम करते हैं और मधु, लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं। जमुना दास के इंतकाल के बारे में जानने के बाद ग्रुप दोबारा मुत्तहिद हो गया। जमुना दास की यादगारी खिदमत के लिए 25 साल बाद यतीम खाने में वापस आते हुए वो कर्नल चौहान से मिलते हैं जो नबीना हो चुके हैं। वो यतीम खाने के एक यतीम आना और पप्पी के साथ दोबारा मिल जाते हैं जिनकी याददाश्त में अक्सर कमी होती है। वो एक लड़की से मिलते हैं जो इनके ख्याल में बंगले की देखभाल करने वाली दामनी है और खुशी के इंतकाल के बारे में जानते हैं। यादगारी की खिदमत के दौरान एक ताजर वसू रेडी ने इंकशाफ किया कि यतीम खाने को मुनहदम कर दिया जाएगा और अपनी इमारत बनाने के मंसूबे के तहत दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। आना और कर्नल चौहान ने दो कमरे किराए पर लेने का फैसला किया जिससे वसु परेशान हो जाता है जो बंगले को खाली करना चाहता है। जब ये ग्रुप यतीम खाने से निकलता है और घर वापस आता है तो रवानगी के दौरान एक भूत लक्ष्मण के पास आ जाता है और उस रात के बाद नाना पाटेकर की आवाज़ में बोलता है जो गोपाल को खौफज़दा कर देता है। भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अना को फोन करते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी इनके घर है। इसे लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का मशवरा देता है। बाद में भूत मधु के पास होता है और वसूली को इसे लक्ष्मण और लक्की को गोपाल और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के बंगले से वसु के लिए निकलने का इशारा करते हैं और बिला वास्ता तौर पर तीनों को ओटी वापस लाता है। ओटी पहुंचकर दोनों ग्रुप गुस्से में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तीनों ने गोपाल को डराने की कोशिश की कि वो घर से निकल जाए लेकिन गोपाल को इसी भूत ने अपनी लपेट में ले लिया और लक्की और लक्ष्मण को बुरी तरह मारा। बाद में वसु ने मधु, लक्की और लक्ष्मण को घर को जलाने का काम सौंपा लेकिन लक्की को भी भूत आ जाता है और नाना पाटेकर की आवाज़ में बात करना शुरू कर देता है जिससे ग्रुप खौफज़दा हो जाता है। इसके बाद दोनों ग्रुप वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं लेकिन अना और दामनी इन्हें सालगिरह की तकरीब के लिए ठहराने पर राजी करते हैं और ग्रुप में तरमीम करते हैं। इन चारों को मालूम हुआ कि गोपाल को दामनी से मोहब्बत हो गई है और वो इसे अपने जज्बात का एतराफ़ करने पर मजबूर करते हैं। जब दामनी और गोपाल बाहर बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे पप्पी वहां पहुंच गए और वो तस्वीर दिखाते हैं जो उसने कल की सालगिरह की तकरीब से ली थी। तहम ग्रुप को मालूम हुआ कि दामनी को इन तस्वीरों में नहीं देखा जा सकता और पप्पी का कहना है कि वो गोपाल के पास बैठी किसी लड़की को नहीं देख सकते। ये इंकशाफ हुआ कि जिस लड़की को इन्होंने दामनी तसव्वुर किया था वो दरअसल कोई और है और जो इन्हें सता रहा है। जब असली दामनी
पप्पी की गर्लफ्रेंड है। लड़के घबरा जाते हैं और पप्पी बबली भाई और वसूली भाई के साथ घर से फरार होने की कोशिश करते हैं। जब भूत खुद इसका एतराफ़ कर लेता है, आना पहुँच कर इन्हें रोकती है और इन्हें समझाती है कि भूत कोई और नहीं बल्कि इनकी बचपन की दोस्त खुशी है। खुशी के बयान करदा एक फ्लैशबैक में बताया गया है कि किस तरह इसके बॉयफ्रेंड नखल स्वारा एक नौजवान ताजे और जमुना दास के भतीजे ने यतीम खाने को हासिल करने और इसे गिराने और एक नया तफरी पार्क बनाने का मनसूबा बनाया था। जब जमुना दास ने इख्तलाफ किया तो दोनों में लड़ाई हुई, जिसकी वजह से निखिल ने गुस्से में इसे मार डाला। इसका सामना करने और पुलिस के पास जाने की धमकी देने पर खुशी को निखिल ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। वसू की मदद से वो ये झूठ बोलने में कामयाब हो गए कि इसके कत्ल हादसात थे। ताहम खुशी की रूह अना के पास मदद के लिए आई, जो हैरान थी कि लड़के की खुशी को देख सकते हैं, और आखिरकार खुशी को इंसाफ दिलाने में मदद के लिए इन्हें घर ले आए। हाल में वापस गोपाल वसू के भेजे हुए गुंडों को मारता है, जबकि बाकी लड़के जो इस मामले से दूर रहना चाहते थे जज्बाती तौर पर रहने के लिए राजी हो जाते हैं। वो गोपाल को कायल करते हैं कि वो गुंडों को पीछा करना छोड़ दे और बाद में तकरीबन वसू को डराने में कामयाब हो जाएंगे कि वो सच का एतराफ़ कर ले। लेकिन निखिल इनके करने से पहले पहुंच जाता है और कशाफ करता है कि इसे मुजरिम साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। ये लड़ाई की तरफ जाता है, जिसके दौरान खुशी निखिल पर हमला करती है और इसे तकरीबन मार देती है, लेकिन आना इसे परसकून कर देती है और वसू निखिल का एतराफ़ करने पर राजी करता है। यतीम खाने को बचाने के साथ खुशी की रूह लड़कों और अना की को अलविदा करती है और जन्नत में चली जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको नजर आएगा। कास्टिंग की तरफ लेके चलता हूँ। टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो दोस्तों, इस मूवी में आपको अजय देवगन बतौर गोपाल के रोल में नजर आएंगे, तब्बू बतौर एना, मिथू रावी, अरशद वारसी बतौर माधु, प्रीति चोपड़ा बतौर खुशी चौहान दामनी, तुषार कपूर बतौर लकी, मोहम्मद सऊद मंसूरी बतौर यंग लकी, शरियाज तालपड़े बतौर लक्ष्मण वन, कनाल क्यू बतौर लक्ष्मण टू, नील लथन मुकेश बतौर नखल, जॉनी लीवर बतौर पप्पी, पब्ली के किरदार में संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी बतौर वसूली, प्रकाश राज बतौर वासु रेड्डी। बबली के किरदार में संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी बतौर वसूली, प्रकाश राज बतौर वासु रेड्डी, ब्रजेश हरजी बतौर पांडु वनका, मुरली शर्मा बतौर इंस्पेक्टर डंडे, विजय पाटकरा बतौर हवलदार गधारी, पौधे टेकर जोय जमुना दास के तौर पर, सचिन खीट बतौर कर्नल चौहान दामनी के तौर पर, अश्विनी कलिस्कर मुमताज बतौर मिसेस चौहान कर्नल की बीवी, शरिया अंचन बहसियत खुद, मोहन राम बतौर राम ईर भूत, शरियसूर बतौर प्रेरणा आइस, नाना पाटेकर खुद भूत की आवाज़ हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रोहित शेट्टी, राइटर हैं जी, और स्क्रीन प्ले जो इस मूवी के जिन्होंने की है उनका नाम है यूनुस सजावल, डायलॉग फरहाद साजिद के हैं, स्टोरी रोहित शेट्टी की है, प्रोड्यूस्ड बाय संगीता सचिन अहीर रोहित शेट्टी, इसके साथ शिवसस शेखर मेन किरदार अदा करते। आपको इस मूवी में जो नजर आएंगे वो है जी सरफरेस्त अच्छे, इसके साथ दूसरे नंबर पर जो आती हैं उनका नाम है तब्बू, तीसरे नंबर पर आते हैं अरशद वारसी, इसके अलावा तुषार कपूर, शरियाज तालपड़े, कनाल किमू,
और निहिल निथन मुकेश जोने लेवर स्क्रीन प्ले जुमन टी चौहान एडिट बाई बोंटी नागी म्यूजिक बाई अमार मोहली और इसके अलावा गाने जो हैं इस मूवी के वो लिखे हैं तमन अमाल मलिक लीजो जीरजी अभिषेक और राय प्रोडक्शन कंपनी है जी इस मूवी की रिलायंस इंटरटेनमेंट मंगल मूर्ति फिल्म्स रोहित शीटी पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट बाय रिलायंस इंटरटेनमेंट रिलीज डेट 20 अक्टूबर 2017 रनिंग टाइम इसका 152 मिनट का है और इसके अलावा कंट्री की इंडिया है लैंग्वेज इसकी हिंदी है। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 70 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 311 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। दोस्तों ये है जी गोल माल अगेन मूवी की मुकम्मल मालूमात जो कि हमने आपको दी यकीन आपको समझ होगी। गोल माल अगेन हिंदुस्तानी हिंदी जबान की माफूकुल फितरत कॉमेडी फिल्म है जिसकी तहरीर और हिदायतकारी रोहित शेट्टी ने की है। रोहित शेट्टी पैकेज मंगल मूर्ति फिल्म्स और रिलायंस इंटरटेनमेंट के जरिए तैयार करदा ये फिल्म गोल माल 2017 फ्रेंचाइज की चौथी किस्त है और इसमें अजय देवगन तब्बू अरशद वारसी प्रीति चोपड़ा अतिशार कपूर शरियास तालपड़े कनाल क्यू नील नितिन मुकेश और जोनी लेवर शामिल हैं। ये फिल्म दिवाली 2017 में रिलीज हुई थी। आमिर खान के सेक्रेट सुपरस्टार के साथ टकराव के बावजूद गोल माल अगेन साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और अब तक की 40वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई। इसका तहयात घरेलू खालिस मजमूआ 2,44,00,000 से ज़्यादा था जबकि दुनिया भर में मजमूई 310.98 करोड़ पर ख़त्म हुई। इस फिल्म को नाकदीन के जन्म से इसकी मजाज और परफॉर्मेंस की तारीफ और तकनीकी पहलुओं की खामियों पर तनकीद के साथ मिले जुले जायजे मिले। सर्कस के उन्वान से एक स्पेन ऑफ 23 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। इसकी मूवी की स्टोरी लाइन पर नज़र दौड़ाते हैं दोस्तों इस मूवी की फिल्म की स्टोरी यह है कि फिल्म की टाइम लाइन सर्कस के साथ मुंसलिक है और इसके बाद के वाकयात की अक्कासी करती है। गोपाल मधु लक्की लक्ष्मण और लक्ष्मण टू ओटी के एक यतीम खाने में यतीम है जो बिजनेस मैन जोए जमुना दास के जेर इंतज़ाम है। गोपाल भूतों से डरता है, लक्की गूंगा है, लक्ष्मण को कोलब है। वो मकामी लैबरीन अन्ना की भूतों और रूहों को देखने की सलाह से भी वाकिफ है। लड़के एक बच्ची को ढूंढते हैं और इसे अंदर ले जाते हैं, इसका नाम खुशी रखते हैं और इसकी देखभाल करते हैं। एक दिन जब मधु जमनाद के दोस्त प्यार करने वाले कर्नल चौहान के एक खाली बंगले में डरपोक गोपाल को मजाक उड़ाता है तो लड़कों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। गोपाल को सज़ा मिलती है जिससे गोपाल और लक्ष्मण को यतीम खाना छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। जल्द ही मधु लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं। खुशी को बाद में कर्नल चौहान और इसकी बीवी ने गोद लिया है। कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के लिए काम करते हैं और मधु लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं। जमुना दास के इंतकाल के बारे में जानने के बाद ग्रुप दोबारा मुतहद हो गया। जमुना दास की यादगारी खिदमत के लिए 25 साल बाद यतीम खाने में वापस आते हुए वो कर्नल चौहान से मिलते हैं जो नबीना हो चुके हैं। वो यतीम खाने के एक यतीम आना और पप्पी के साथ दोबारा मिल जाते हैं जिनकी याददाश्त में अक्सर कमी होती है। वो एक लड़की से मिलते हैं जो इनके ख्याल में बंगले की देखभाल करने वाली दामनी है और खुशी के इंतकाल के बारे में जानते हैं। यादगारी की खिदमत के दौरान एक ताजर
वसु रेडी ने इंकशाफ किया कि यतीम खाने को मुनहदम कर दिया जाएगा और अपनी इमारत बनाने के मंसूबे के तहत दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। आना और कर्नल चौहान ने दो कमरे किराए पर लेने का फैसला किया, जिससे वसु परेशान हो जाता है जो बंगले को खाली करना चाहता है। जब ये ग्रुप यतीम खाने से निकलता है और घर वापस आता है तो रवानगी के दौरान एक भूत लक्ष्मण के पास आ जाता है और उस रात के बाद नाना पाटेकर की आवाज़ में बोलता है, जो गोपाल को खौफज़दा कर देता है। भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अना को फोन करते हैं, जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी इनके घर है। इसे लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का मशवरा देता है। बाद में भूत मधु के पास होता है और वसूली को इसे लक्ष्मण और लक्की को गोपाल और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के बंगले से वसु के लिए निकलने का इशारा करते हैं और बिलावास्ता तौर पर तीनों को ओटी वापस लाता है। ओटी पहुंचकर दोनों ग्रुप गुस्से में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तीनों ने गोपाल को डराने की कोशिश की कि वो घर से निकल जाए, लेकिन गोपाल को इसी भूत ने अपनी लपेट में ले लिया और लक्की और लक्ष्मण को बुरी तरह मारा। बाद में वसु ने मधु लक्की और लक्ष्मण को घर को जलाने का काम सौंपा, लेकिन लक्की को भी भूत आ जाता है और नाना पाटेकर की आवाज़ में बात करना शुरू कर देता है, जिससे ग्रुप खौफज़दा हो जाता है। इसके बाद दोनों ग्रुप वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन अना और दामिनी इन्हें सालगिरह की तकरीब के लिए ठहराने पर राजी करते हैं और ग्रुप में तरमीम करते हैं। इन चारों को मालूम हुआ कि गोपाल को दामिनी से मोहब्बत हो गई है और वो इसे अपने जज्बात का एतराफ करने पर मजबूर करते हैं। जब दामिनी और गोपाल बाहर बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे, पप्पी वहां पहुंच गए और वो तस्वीर दिखाते हैं जो उसने कल की सालगिरह की तकरीब से ली थी। तहम ग्रुप को मालूम हुआ कि दामिनी को इन तस्वीरों में नहीं देखा जा सकता और पप्पी का कहना है कि वो गोपाल के पास बैठे किसी लड़की को नहीं देख सकते। ये इंकशाफ हुआ कि जिस लड़की को इन्होंने दामिनी तस्वर किया था वो दरअसल कोई और है और जो इन्हें सता रहा है। जब असली दामिनी पप्पी की गर्लफ्रेंड है, लड़के घबरा जाते हैं और पप्पी बबली भाई और वसूली भाई के साथ घर से फरार होने की कोशिश करते हैं। जब भूत खुद इसका एतराफ कर लेता है, अना पहुँच कर इन्हें रोकती है और इन्हें समझाती है कि भूत कोई और नहीं बल्कि इनकी बचपन की दोस्त खुशी है। खुशी के बयान करदा एक फ्लैशबैक में बताया गया है कि किस तरह इसके बॉयफ्रेंड नखल स्वारा एक नौजवान ताजे और जमुना दास के भतीजे ने यतीम खाने को हासिल करने और इसे गिराने और एक नया तफरी पार्क बनाने का मंसूबा बनाया था। जब जमुना दास ने इख्तलाफ किया तो दोनों में लड़ाई हुई, जिसकी वजह से निखिल ने गुस्से में इसे मार डाला। इसका सामना करने और पुलिस के पास जाने की धमकी देने पर खुशी को निखिल ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। वसु की मदद से वो ये झूठ बोलने में कामयाब हो गए कि इसके कत्ल हादसात थे। तहम खुशी की रूह अना के पास मदद के लिए आई, जो हैरान थी कि लड़के की खुशी को देख सकते हैं और आखिरकार खुशी को इंसाफ दिलाने में मदद के लिए इन्हें घर ले आए। हाल में वापस गोपाल वसु के भेजे हुए गुंडों को मारता है, जबकि बाकी लड़के जो इस मामले से दूर रहना चाहते थे जज्बाती तौर पर रहने के लिए राजी हो जाते हैं। वो गोपाल को कायल करते हैं कि वो गुंडों को पीछा करना छोड़ दे और बाद में तकरीबन वसु को डराने में कामयाब हो जाएंगे कि वो सच का एतराफ कर ले। लेकिन निखिल इनके करने से पहले पहुंच जाता है और इंकशाफ करता है कि इसे मुजरिम साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं। ये लड़ाई की तरफ जाता है, जिसके दौरान खुशी निखिल पर हमला करती है और इसे तकरीबन मार देती है, लेकिन आना इसे पर सुकून कर देती है और वसु निखिल का एतराफ़ करने पर राजी करता है
यतीम खाने को बचाने के साथ खुशी की रूह लड़कों और अनाकी को अलविदा करती है और जन्नत में चली जाती है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको नजर आएगा। कास्टिंग की तरफ लेके चलता हूँ, टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी में आपको अजय देवगन बतौर गोपाल के रोल में नजर आएंगे, तब्बू बतौर एना, मिथू रावी, अरशद वारसी बतौर माधु, प्रीति चोपड़ा बतौर खुशी चौहान दामनी, तुषार कपूर बतौर लक्की, मोहम्मद सऊद मंसूरी बतौर यंग लक्की, शरियाज तालपड़े बतौर लक्ष्मण वन, कनाल क्यू बतौर लक्ष्मण टू, नील लथन मुकेश बतौर नखल, जॉनी लीवर बतौर पप्पी, पब्ली के किरदार में संजय मिश्रा, निकेश तिवारी बतौर वसूली, प्रकाश राज बतौर वासु रेड्डी। बबली के किरदार में संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी बतौर वसूली, प्रकाश राज बतौर वासु रेड्डी, ब्रजेश हरजी बतौर पांडु बनका, मुरली शर्मा बतौर इंस्पेक्टर डंडे, विजय पाटकरा बतौर हवलदार गधारी, पौधे टेकर जोय जमुना दास के तौर पर, सचिन खीट बतौर कर्नल चौहान दामनी के तौर पर, अश्विनी कलिस्कर मुमताज बतौर मिसेस चौहान कर्नल की बीवी, शरिया अंचन बहसियत खुद, मोहन राम बतौर राम ईर भूत, शरयसूर बतौर प्रेरणा आइज, नाना पाटेकर खुद भूत की आवाज़ हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रोहित शेट्टी, राइटर हैं जी, और स्क्रीन प्ले जो इस मूवी के जिन्होंने की है उनका नाम है यूनुस सजावल, डायलॉग फरहाद साजिद की हैं, स्टोरी रोहित शेट्टी की है, प्रोड्यूस्ड बाय संगीता सचिन अहीर रोहित शेट्टी, इसके साथ शिवाशीष शेखर मेन किरदार अदा करते आपको इस मूवी में जो नजर आएंगे वो है जी सरफरेस्त अच्छे, इसके साथ दूसरे नंबर पर जो आती हैं उनका नाम है तब्बू, तीसरे नंबर पर आते हैं अरशद वारसी, इसके अलावा तुषार कपूर, शरियाज तालपड़े, कनाल किम्यू और नेहल निथन मुकेश जोन लेवर, स्क्रीन प्ले जुमन टी जोहन, एडिट बाई बोंटी नागी, म्यूजिक बाई अमार मोहली, और इसके अलावा गाने जो हैं इस मूवी के वो लिखे हैं तमन अमाल मलिक, लीजो जीरजी अभिषेक और प्रोडक्शन कंपनी है जी इस मूवी की, रिलायंस इंटरटेनमेंट, मंगल मूर्ति फिल्म्स, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूट बाय रिलायंस इंटरटेनमेंट, रिलीज डेट 20 अक्टूबर 2017, रनिंग टाइम इसका 152 मिनट का है, और इसके अलावा कंट्री की इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है, इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 70 करोड़ की लागत आई, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 311 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। दोस्तों ये है जी गोल मार अगेन मूवी की मुकम्मल मालूमात जो कि हमने आपको दी, यकीन आपको समझ होगी। गोल मार अगेन हिंदुस्तानी हिंदी जबान की माफूकुल फितरत कॉमेडी फिल्म है जिसकी तहरीर और हिदायतकारी रोहित शेट्टी ने की है। रोहित शेट्टी पैकेज मंगल मूर्ति फिल्म्स और रिलायंस इंटरटेनमेंट के जरिए तैयार करदा ये फिल्म गोल मार 2017 फ्रेंचाइज की चौथी किस्त है, और इस अजय देवगन, तब्बू, अरशद वारसी, प्रीति चोपड़ा, अतिशार कपूर, शरियास तालपड़े, कनाल क्यू, नील नितिन मुकेश और जूनी लेवर शामिल हैं। ये फिल्म दिवाली 2017 में रिलीज हुई थी। आमिर खान के सेक्रेट सुपरस्टार के साथ टकराव के बावजूद गोल माल अगेन साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई, बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और अब तक की 40वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई।
इसका तहयात घरेलू खालिस मजमूआ 2,44,00,000 से ज़्यादा था, जबकि दुनिया भर में मजमूई 310.98 करोड़ पर ख़त्म हुई। इस फिल्म को नाकदीन के जनब से इसकी मजाज और परफॉर्मेंस की तारीफ और तकनीकी पहलुओं की खामियों पर तनकीद के साथ मिले जुले जायजे मिले। सर्कस के उन्वान से एक स्पेन ऑफ 23 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। इसकी मूवी की स्टोरी लाइन पर नज़र दौड़ाते हैं। इस मूवी की फिल्म की स्टोरी यह है कि फिल्म की टाइम लाइन सर्कस के साथ मुंसलिक है और इसके बाद के वाकयात की अक्कासी करती है। गोपाल, मधु, लक्की, लक्ष्मण और लक्ष्मण 2 ओटी के एक यतीम खाने में यतीम है, जो बिजनेस मैन जोए जमुना दास के जेरे इंतजाम है। गोपाल भूतों से डरता है, लक्की गूंगा है और लक्ष्मण को कोलब है। वो मकामी लेबरीन अन्ना की भूतों और रूहों को देखने की सलाह से भी वाकिफ है। लड़के एक बच्ची को ढूंढते हैं और इसे अंदर ले जाते हैं। इसका नाम खुशी रखते हैं और इसकी देखभाल करते हैं। एक दिन जब मधु जमनाद के दोस्त प्यार करने वाले कर्नल चौहान के एक खाली बंगले में डरपोक गोपाल को मजाक उड़ाता है तो लड़कों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। गोपाल को सज़ा मिलती है, जिससे गोपाल और लक्ष्मण को यतीम खाना छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। जल्द ही मधु, लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं। खुशी को बाद में कर्नल चौहान और इसकी बीवी ने गोद लिया है। कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के लिए काम करते हैं और मधु, लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं। जमुना दास के इंतकाल के बारे में जानने के बाद ग्रुप दोबारा मुत्तहिद हो गया। जमुना दास की यादगारी खिदमत के लिए 25 साल बाद यतीम खाने में वापस आते हुए वो कर्नल चौहान से मिलते हैं, जो नबीना हो चुके हैं। वो यतीम खाने के एक यतीम आना और पप्पी के साथ दोबारा मिल जाते हैं, जिनकी याददाश्त में अक्सर कमी होती है। वो एक लड़की से मिलते हैं जो इनके ख्याल में बंगले की देखभाल करने वाली दामनी है और खुशी के इंतकाल के बारे में जानते हैं। यादगारी की खिदमात के दौरान एक ताजिर वसू रेडी ने इंकशाफ किया कि यतीम खाने को मुनहदम कर दिया जाएगा और अपनी इमारत बनाने के मंसूबे के तहत दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। आना और कर्नल चौहान ने 2 कमरे किराए पर लेने का फैसला किया, जिससे वसु परेशान हो जाता है, जो बंगले को खाली करना चाहता है। जब ये ग्रुप यतीम खाने से निकलता है और घर वापस आता है तो रवानगी के दौरान एक भूत लक्ष्मण के पास आ जाता है और उस रात के बाद नाना पाटेकर की आवाज़ में बोलता है, जो गोपाल को खौफज़दा कर देता है। भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अना को फोन करते हैं, जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी इनके घर हैं। इसे लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का मशवरा देता है। बाद में भूत मधु के पास होता है और वसूली को इसे लक्ष्मण और लक्की को गोपाल और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के बंगले से वसू के लिए निकलने का इशारा करते हैं और बिलावास्ता तौर पर तीनों को ओटी वापस लाता है। ओटी पहुंचकर दोनों ग्रुप गुस्से में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तीनों ने गोपाल को डराने की कोशिश की कि वो घर से निकल जाए, लेकिन गोपाल को इसी भूत ने अपनी लपेट में ले लिया और लक्की और लक्ष्मण को बुरी तरह मारा। बाद में वसु ने मधु, लक्की और लक्ष्मण को घर को जलाने का काम सौंपा, लेकिन लक्की को भी भूत आ जाता है और नाना पाटेकर की आवाज़ में बात करना शुरू कर देता है, जिससे ग्रुप खौफज़दा हो जाता है। इसके बाद दोनों ग्रुप वहां से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन अना और दामनी इन्हें सालगिरह की तकरीब के लिए ठहराने पर राजी करते हैं और ग्रुप में तरमीम करते हैं। इन चारों को मालूम हुआ कि गोपाल को दामनी से मोहब्बत हो गई है और वो इसे अपने जज्बात का एतराफ करने पर मजबूर करते हैं। जब दामनी और गोपाल बाहर बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे
पप्पी वहाँ पहुँच गए और वो तस्वीर दिखाते हैं जो उसने कल की सालगिरह की तकरीब से ली थी। ताहम ग्रुप को मालूम हुआ कि दामिनी को इन तस्वीरों में नहीं देखा जा सकता। वो पप्पी का कहना है कि वो गोपाल के पास बैठी किसी लड़की को नहीं देख सकते। ये इंकशाफ हुआ कि जिस लड़की को इन्होंने दामिनी तस्वर किया था वो दरअसल कोई और है और जो इन्हें सता रहा है। जब असली दामिनी पप्पी की गर्लफ्रेंड है लड़के घबरा जाते हैं और पप्पी बबली भाई और वसूली भाई के साथ घर से फरार होने की कोशिश करते हैं। जब भूत खुद इसका एतराफ़ कर लेता है आना पहुँच कर इन्हें रोकती है और इन्हें समझाती है कि भूत कोई और नहीं बल्कि इनकी बचपन की दोस्त खुशी है। खुशी के बयान करदा एक फ्लैशबैक में बताया गया है कि किस तरह इसके बॉयफ्रेंड नखल स्वारा एक नौजवान ताजे और जमुना दास के भतीजे ने यतीम खाने को हासिल करने और इसे गिराने और एक नया तफरी पार्क बनाने का मंसूबा बनाया था। जब जमुना दास ने इख्तलाफ किया तो दोनों में लड़ाई हुई जिसकी वजह से निखिल ने गुस्से में इसे मार डाला। इसका सामना करने और पुलिस के पास जाने की धमकी देने पर खुशी को निखिल ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। वसु की मदद से वो ये झूठ बोलने में कामयाब हो गए कि इसके कत्ल हादसात थे। ताहम खुशी की रूह अना के पास मदद के लिए आई जो हैरान थी कि लड़के की खुशी को देख सकते हैं और आखिरकार खुशी को इंसाफ दिलाने में मदद के लिए इन्हें घर ले आए। हाल में वापस गोपाल वसु के भेजे हुए गुंडों को मारता है जबकि बाकी लड़के जो इस मामले से दूर रहना चाहते थे जज्बाती तौर पर रहने के लिए राजी हो जाते हैं। वो गोपाल को कायल करते हैं कि वो गुंडों को पीछा करना छोड़ दे और बाद में तकरीबन वसु को डराने में कामयाब हो जाएंगे कि वो सच का एतराफ कर ले। लेकिन निखिल इनके करने से पहले पहुंच जाता है और इंकशाफ करता है कि इसे मुजरिम साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। ये लड़ाई की तरफ जाता है जिसके दौरान खुशी निखिल पर हमला करती है और इसे तकरीबन मार देती है। लेकिन आना इसे परसकून कर देती है और वसु निखिल का एतराफ़ करने पर राजी करता है। यतीम खाने को बचाने के साथ खुशी की रूह लड़कों और अना की को अलविदा करती है और जन्नत में चली जाती है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको नजर आएगा। कास्टिंग की तरफ लेके चलता हूँ। टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी में आपको अजय देवगन बतौर गोपाल के रोल में नजर आएंगे। तब्बू बतौर एना, मिथू रावी, अरशद वारसी बतौर माधु, प्रीति चोपड़ा बतौर खुशी चौहान दामिनी, तुषार कपूर बतौर लकी, मोहम्मद सऊद मंसूरी बतौर यंग लकी, शरियाज तालपड़े बतौर लक्ष्मण वन, कनाल क्यू बतौर लक्ष्मण टू, नील लथन मुकेश बतौर नखल, जॉनी लीवर बतौर पप्पी, पब्ली के किरदार में संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी बतौर वसूली, प्रकाश राज बतौर वासु रेड्डी। बबली के किरदार में संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी बतौर वसूली, प्रकाश राज बतौर वासु रेड्डी, ब्रजेश हरजी बतौर पांडु बनका, मुरली शर्मा बतौर इंस्पेक्टर डंडे, विजय पाटकरा बतौर हवलदार गधारी, पौधे टेकर जोय जमुना दास के तौर पर, सचिन खीट बतौर कर्नल चौहान दामिनी के तौर पर, अश्विनी कलिस्कर मुमताज बतौर मिसेस चौहान कर्नल की बीवी, शर्या अंजन बहसते हुत मोहन राम बतौर राम ईर भूत, शर्यसूर बतौर प्रेरणा आइस, नाना पाटेकर खुद भूत की आवाज हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रोहित शेट्टी, राइटर हैं जी, और स्क्रीन प्ले जो इस मूवी के जिन्होंने की है उनका नाम है यूनुस सजावल, डायलॉग फरहाद साजिद के हैं, स्टोरी रोहित शेट्टी की है, प्रोड्यूस्ड बाय
संगीता सचन अहीर रोहित शीटी, इसके साथ शिवसस शेखर मेन किरदार अदा करते आपको इस मूवी में जो नजर आएंगे वो है जी सरफरेज अज्जे। इसके साथ दूसरे नंबर पर जो आती हैं उनका नाम है तब्बू। तीसरे नंबर पर आते हैं अरशद वारसी। इसके अलावा तुषार कपूर शरियाज तालपड़े कनाल किम्यू और नेहल निथन मुकेश जोन लेवर स्क्रीन प्ले जूमन टी चौहन एडिट बाई बोंटी नागी म्यूजिक बाई अमार मोहली और इसके अलावा गाने जो हैं इस मूवी के वो लिखे हैं तमन अमाल मलिक लीजो जीरजी अभिषेक और प्रोडक्शन कंपनी है जी इस मूवी की रिलायंस इंटरटेनमेंट मंगल मूर्ति फिल्म्स रोहित शीटी पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट बाय रिलायंस इंटरटेनमेंट रिलीज डेट 20 अक्टूबर 2017 रनिंग टाइम इसका 152 मिनट का है और इसके अलावा कंट्री इसकी इंडिया है लैंग्वेज इसकी हिंदी है। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 70 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 311 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। दोस्तों ये है जी गोलमाल अगेन मूवी की मुकम्मल मालूमात जो कि हमने आपको दी यकीन आपको समझ आई होगी।